अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल. मेरा नाम कुहू कलोडे है. मैं 23 साल की हूँ और नागपुर की ही रहने वाली हूँ. और आज मुझे यहाँ आप सब लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है कि हम सब यहाँ आके एक नए विचार को सुनने, एक अच्छी बात को आगे बढ़ाने और ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए उत्सुक है. इतने सारे यंग फेसेस को देख के, हम उम्र युवाओं को देख के एक उम्मीद बन रही है कि आगे हम कुछ अच्छा काम कर सके. और साथ ही हमारे बीच जो हमारे आइडल्स, हमारे मेंटर्स, गुरुजन तथा पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और जर्नलिस्ट्स हैं, इनकी उपस्थिति से सपोर्ट और एनकरेजमेंट का एक एहसास हो रहा है. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी अनुमति से पिछले एक महीने से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो टीम जुड़ी हुई है, लगी हुई है, उनका संक्षिप्त में एक इंट्रोडक्शन रखना चाहूँगी. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे टीम मेंबर्स आ जाए. शुभम जोशी, शुभम जोशी मैकेनिकल इंजीनियर है बट एन एस्पायरिंग फार्मर. शांतनु मोडगरे, अ फुटबॉल कोच हु रन्स हिज फुटबॉल एकेडमी इन द नेम ऑफ स्पोर्टियंस सॉकर स्कूल्स. पीयूष जोशी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सौमित्र महाजन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु ऑल्सो रन्स हिज ओन कंपनी. अभिषेक धकाते, हु इज अ सिनेमेटोग्राफर. अभिषेक एंड जय बोम्बे, अ फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट. और हम सब युवा टीम के साथ हर पल मार्गदर्शन देने के लिए श्री अशोक बाहेती जी, श्री हेमंत मोरियर जी, शालिनी अरोरा दीदी, मनीष राठौड़ भैया, येवती राठौड़ दीदी, कौशल जैन भैया, शेरा मर्चेंट दीदी, राजनारायण गोमासे जी, केशव शर्मा भैया और मेरे पेरेंट्स आरती एंड आशीष कलोडे. आप सबके मार्गदर्शन और सपोर्ट के वजह से हम इस कार्यक्रम को सफल बना पाए हैं. तो थैंक यू, थैंक यू. तो शुरू करने से पहले कार्यक्रम के संबंधित ही कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं. आप लोगों के बीच में 4 वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने ये टी शर्ट पहना हुआ है जीवन विद्या के लोगों का. उनके पास माइक्स है तो सेशन के दौरान अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हाथ उठा के उनको बुला सकते हैं और माइक में अपनी बात रख सकते हैं. दूसरा, आप सभी के पास एक नोटपैड होगा. उस नोटपैड का एक पेज फाड़ के आप उस पर प्लीज़ आपका नाम, नंबर और ईमेल लिख दीजिए. एंड जब आप वापस जाएंगे बाहर तब एक बॉक्स रखा है उसमें आप वो चिट्ठी डाल दें. ऐसे हम सब आपको रिक्वेस्ट करते हैं. यहाँ लेफ्ट में मेल, फीमेल एंड हैंडीकैप वॉशरूम्स है एंड साथ ही गर्म और ठंडे पीने की पानी की भी व्यवस्था है. तो आप इस डोर के थ्रू जा सकते हैं या वो भी है. नीडलेस टू से प्लीज़ कीप योर मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट मोड ताकि कुछ डिस्टर्बेंस ना रहे. एंड सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सेशन के बाद बाहर आपके लिए गर्मा गर्म चाय और समोसे इंतज़ार कर रहे होंगे. तो आप प्लीज़ इसका आस्वादन लेके ही घर लौटिए, ऐसी विनंती है. यहाँ वनामति में ही 15 से 21 जनवरी में एक 7 डेज का भी वर्कशॉप रहेगा जीवन विद्या का, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आप बाहर रजिस्ट्रेशन डेस्क है वहाँ पे कर सकते हैं. एंड ये जो जीवन विद्या शिविर है वो फ्री में होते हैं, निशुल्क होते हैं. जो भी रहने, खाने, पीने की और ऑडिटोरियम का जो भी एक्सपेंस है वो सारे पार्टिसिपेंट्स मिलके शेयर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. तो वेबसाइट पे जो कॉस्ट मेंशन्ड है अगर वो किसी के लिए ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल पुट योर नेम डाउन. आप नाम दे सकते हैं एंड आप आ सकते हैं. वी विल फिगर इट आउट और आपसे जितना होता है आप उतना स्वैच्छिक योगदान कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी
इंट्रोड्यूस यू टू समवन वेरी स्पेशल, हमारे वक्ता श्री सोमदेव त्यागी जी। मैं जब सोम भैया से पहली बार मिली थी तो मैंने उनको बोला था कि सोम भैया, मैं तो अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं, ये शिविर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी स्वीटली मुझे कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब आई हो तो सुन लो। एंड ही वॉज राइट। 4 साल बाद मैं आज यहाँ खड़ी हूँ इस निष्ठा के साथ कि ये सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सब की ज़रूरत है। दिस इज़ वॉट वी ऑल नीड। तो थैंक यू सोम भैया, आपने मुझे एक नई दिशा और दृष्टि दी, और मध्यस्थ दर्शन के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। वैसे तो सोम भैया का नागपुर से एक स्पेशल रिश्ता है, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे बिताई है। YCCE कॉलेज से इन्होंने 1989 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। एंड मूलतः ये दिल्ली के हैं, पर पिछले 30 वर्षों से ये छत्तीसगढ़ में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनका एक घर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण में एक खेत के बीच में है, तो खेत में ये सपरिवार रहते हैं। एंड देश भर में 500 से भी ज़्यादा इन्होंने 7 दिवस के शिविर किए हैं, जिसमें इन्होंने समाज के लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ, युवाओं के साथ संवाद किया है। और ये काम दिन रात, हर महीने, हर दिन कंटिन्यूसली चलता ही आ रहा है पिछले 20 वर्षों से। तो अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल के ये नागपुर आए और हमसे बात करें, ऐसी कोशिश बहुत दिनों से रही ही है। सो वी आर वेरी लकी टू हैव हिम विथ अस हियर टुडे। तो अपनी बात पूरी करती हूँ एंड हम सभी नागपुर वासियों की ओर से सोम भैया का स्वागत करने मैं मिस्टर संजय अरोरा और संतोष कुमार अग्रवाल जी को और सोम भैया को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। आप प्लीज़ इनका स्वागत करें। तो मैं कामना करती हूँ कि आज की शाम आपके ज़िंदगी की वन ऑफ द मोस्ट सार्थक शाम रहेगी। थैंक यू ऑल। So I would like to hand over to Som Bhaiya now. Thank you. हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार। पीछे आवाज़ है। हेलो, नमस्कार नमस्कार। हेलो 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 हेलो। नहीं, कुछ कमी। हेलो, नमस्कार नमस्कार। हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार। हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार। हेलो 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 हेलो। नमस्कार। हेलो। हाँ, अभी ठीक हुआ। हेलो हेलो नमस्कार। हेलो, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले कू और यंग हमारे सभी मित्रों को खूब खूब धन्यवाद इस आयोजन के लिए। नागपुर के हमारे सभी पुराने जीवन विद्या से जुड़े हुए सभी मित्र, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे और शायद बहुत कम समय में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और आप सभी को धन्यवाद
जिस तरह का रिस्पांस आप सबकी तरफ से रहा, तो आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं। जो मैं आपसे, जैसा कि कू ने कहने, थोड़ा इको है देखो, जैसा कि आपसे कहने की कोशिश की गई कि किसी एक नए विचार को, किसी एक नई, जो कुछ भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, तो बेसिकली एक दर्शन है। दर्शन का मतलब है देखना, और देखने का मतलब है खुद को देखना और इस एग्जिस्टेंस को देखना और उसमें अपनी भूमिका को देखना, अपनी ज़िंदगी को देख पाना। मानव एकमात्र एंटिटी है जिसमें देखने का सामर्थ्य, जैसे कैमरा देखता है, पर कैमरे के सामने प्यार करो मर्डर करो उससे कैमरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मानव देखता है और देखने वाले की कोई दृष्टि है, उस दृष्टि के साथ वो देखता है। और दृष्टि के रूप में हम अधिकांश लोग, सबकी एक ही दृष्टि हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमारी अलग अलग दृष्टियां हैं चीज़ों को देखने की, वो समय के साथ साथ बदलती भी हैं। तो एक सही दृष्टि क्या हो खुद को और सबको देखने की, ऐसा एक देखने का ये तरीका। हेलो भाई, माइक में मज़ा नहीं आ रहा। हेलो 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 हेलो, अभी ठीक लग रहा है। तो चलिए, मैं बात को, हम सब अपनी ज़िंदगी में बचपन के, जवानी के दौर से गुजरते हुए, मैं एक सर्वे कर लेता हूँ छोटा सा, कितने लोग 35 से नीचे हैं? ओ लगभग 50-50 है, या गुड, लगभग हम सभी लोग बचपन से, जवानी से गुजरते हुए और आगे की ज़िंदगी की यात्रा को शुरू करते हैं। अपने स्कूल टाइम में हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कोई सपने देखना शुरू करता है, अपने आसपास जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है उसको जोड़ के कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी को आगे देखता है। तो मेरे को लगता है कि एक घटना हम सबके साथ, अधिकांश लोगों के साथ घटती है, कि अपनी ज़िंदगी में जो सपने हमने, हाँ बढ़िया, अभी ठीक है, अपनी ज़िंदगी में जो सपने हम लोग देखते हैं, और कभी जब वो साकार होते हैं, तो सपनों को सोचने में जितना सुख मिला था, उसकी हकीकत उतना सुखदाई नहीं निकली, ऐसा अक्सर हो जाता है। मेरी बात पहुंची? फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे किसी को लगता है कि इसी लड़के या लड़की से शादी हो जाए तो बस ज़िंदगी बन जाएगी, किसी को लगता है कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, बिजनेसमैन, जो कुछ भी सपने हमने देखे रहते हैं लोगों के पूरे होते ही हैं, तो सपनों ने जितना सुख दिया था, उसकी हकीकत जब वो मटेरियलाइज हुआ, जब वो ज़िंदगी में सामने आया, तो वो उतना सुखदाई नहीं था, वो हकीकत उतनी सुखदाई नहीं थी जितना उसके सपने ने हमको सुख दिया था। ऐसे कितने लोग अपनी ज़िंदगी में घटे एक्सपीरियंस से बोल सकते? हेलो। तो दोस्तों, मेरे लिए भी ये एक बहुत, नागपुर के साथ एक पुराना रिश्ता है, मैंने इंजीनियरिंग नागपुर से की, 89 का इंजीनियरिंग पास आउट, और नेल्को टाटा मेरी पहली कंपनी थी दिल्ली में, मैं बेसिकली दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, हमको लगता था कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, और जब फील्ड में गए तो पता चला यार कोई ख़ास बात नहीं है, दो वक्त की रोटी का जुगाड़ है। मैं किसान का बेटा हूँ, तो ज़िंदगी को जितना बड़े कैनवस पे मैंने सोचा था, जब जॉब में आए तो ज़िंदगी उतनी बड़ी दिखाई नहीं दी। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, क्या यही ज़िंदगी है? क्या इसी को अगले 35 साल जीना है? लगभग 25 साल की एज में मैं एक बच्चे का बाप था, दिल्ली में घर, गाड़ी, मकान, जॉब सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन मुझको लगता था कि नहीं, ये तो ज़िंदगी नहीं हो सकती है। और वहाँ से फिर एक ज़िंदगी की तलाश शुरू होती है, यदि ये ज़िंदगी नहीं है तो फिर ज़िंदगी किसको कहा जाए, या क्या ऐसा, मतलब वो ज़िंदगी का क्या स्वरूप होगा जिसको पा के लगे कि हाँ ज़िंदगी मिली। तो क्या नहीं करना है ये बहुत क्लियर था,
लेकिन क्या करना है इसकी बहुत क्लैरिटी नहीं थी। तो उस क्लैरिटी की तलाश में फिर आप जानते ही हैं अपन कुछ पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, तो गांधी जी और कुछ कुछ लोगों को पढ़ना शुरू किया, तो कहीं से दो लाइनें अपने भीतर चिपक गईं। मैंने अपने जॉब के दौरान भी दो लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, जब जॉब में मुझको मज़ा नहीं आया तो मैंने लोगों को ढूंढना शुरू किया कि किसको मज़ा आ रहा है, तो मैंने दो लोगों की आँख में चमक देखी। एक, कुछ लोग बोलते थे कि मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने स्ट्रगल किया है। अब मैं सोचता था यार, कल तक माँ बाप कमाते थे हम खाते हैं, आज हम कमाते हैं हम खाते हैं, हमने ना कभी पहले स्ट्रगल किया ना अभी कोई स्ट्रगल है। मैं 70 साल का होऊंगा तो अपने आप को क्या जवाब दूंगा कि मैं ज़िंदगी में क्या किया, तो मैं तो कोई स्ट्रगल भी नहीं किया, मैंने कोई गरीबी भी नहीं देखी। तो मेरे ऊपर वाले से पहले से ही ठीक ठाक संबंध रहे, मैं जो बोलता हूँ देता है। तो इन सब को देख के कहीं एक मन में ये आ गया कि नहीं, तो मैंने ऊपर वाले को देख के बोला कि मैं यार, मेरे को गरीबी देखना है और स्ट्रगल देखना है, क्योंकि ये दो के बिना ज़िंदगी में कुछ मज़ा दिख नहीं रहा है। तो संबंध थे पर इतने अच्छे थे मेरे को पता नहीं था। 7 साल मैंने हर दिन गरीबी और संघर्ष देखा। मेरा मांगा हुआ था तो उस बीच में भी मैं परेशान कभी कभी हुआ, लेकिन उस जिंदगी को भी देखने की कोशिश की जब पैसा आपके पास नहीं होता है। खैर, कुल मिला के दो लाइनें मेरे साथ चिपक गईं कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। अब झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, तो इसके बाद जॉब भी मुश्किल हो गई। जब जॉब छोड़ के अपना काम शुरू किया तो वो भी मुश्किल होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि 17 डिपार्टमेंट के साथ में आपको झूठ बोले हुए और चोरी किए बिना काम चलता नहीं है, बिजनेस बिना चोरी के होता नहीं, चाहे बिजली की चोरी हो चाहे टैक्सेस की चोरी हो, कुछ ना कुछ तो होता ही। तो ये सब को करते हुए मैं सोचने के लिए, और मैं दिल्ली में रहते हुए लगभग दिल्ली पुलिस से लेके और दिल्ली के सारे डिपार्टमेंट से 2.5 साल झगड़ा करता रहा, क्योंकि मुझको पैसा देना नहीं था और बिना पैसे के काम होना नहीं था। तो 2.5 साल बाद ये समझ में आ गया, ना मैं सुधरूंगा ना ये सुधरेंगे, तो क्या किया जाए। सुसाइड करने का मन नहीं था, तो शादी हो ही गई थी और लोग मेरे को तो नहीं ज़्यादा परेशान करते थे, पत्नी को पूछते थे आजकल ये क्या करता है। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है जब कोई पत्नी को सॉफ्ट टारगेट करता है, आजकल ये क्या करता है, तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम समझाती क्यों नहीं हो। इस बीच में क्योंकि गांधी जी कहीं मन पे सवार हुए, तो मैंने मेरा गांव दिल्ली से 50 किलोमीटर है, तो गांव मेरे बचपन का गांव मैंने देखा था, जब मैं बाप बना तब का गांव वो गांव नहीं था जो मैंने बचपन में देखा था। तो कहीं ना कहीं ये आया कि गांव में कुछ बेहतर किया जाए। गांव में कुछ बेहतर किया जाए तो शायद आपके ध्यान में होगा कपाट, स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनजीओ सेक्टर, इन सब के साथ मिलके गांव के लिए कुछ करना शुरू किया। और एक घटना घटी, स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हमने एक प्रोजेक्ट लिया जिसमें गांव की महिलाओं को अचार चटनी मुरब्बे वगैरह सिखा के उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की बात थी। तो जब उन महिलाओं से बात करना शुरू किया तो उसमें पता चला कि 40 में से 38 को लिखना पढ़ना नहीं आता है। अब कोई अचार चटनी मुरब्बे सिखाना है तो उसकी रेसिपी बताना है, तो जब उनको लिखना ही नहीं आता तो कैसे याद रहेगा। तो हमारा प्रोजेक्ट बाजू में हो गया, साक्षरता शुरू हो गया। अब जब साक्षरता शुरू हुआ तो उनसे बात बात हुई, तो उन्होंने अपने घर की बातें कहना शुरू की, सास बहू के झगड़े, भाई भाई के बंटवारे। तो जब वो अपने घर की सुना रही थी तो मेरे को लगा कि यार होता तो मेरे घर में भी ऐसी है। तो वहाँ से एक जिंदगी में शिफ्ट आना शुरू हुआ कि चाहे गरीब का घर है चाहे अमीर का घर है, हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया। बोलते जाइए, अपन संवाद करेंगे, है ना, मेरे को कोई प्रवचन देना ऐसा नहीं। तो हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया, हमने दुख अपनों से पाया। और देखिए, मेरी इंजीनियरिंग के दौरान ये मेरा किया हुआ सर्वे है, क्योंकि 24 साल की एज में जब मैं एक बच्चे का बाप हो गया और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही, मुझको ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत इस बात से थी कि जो चल रहा है इसमें मज़ा तो नहीं आ रहा है, ये उसको 35 साल और मैं कैसे खींच पाऊँगा। तो मेरे को गृहस्थ मॉडल मेरा देखा हुआ था, तो गृहस्थ मॉडल मैंने देख लिया तो मैं सन्यासी मॉडल को एक्सप्लोर करना चाहता था। तो उसका एक तरीका मैंने निकाल रखा था कि अक्सर उस समय ट्रेन लेट होती थी और स्टेशन पे एक दो सन्यासी साधु मिल ही जाता है, तो एक दर्जन केला खरीदा, महाराज को अर्पित किया और महाराज जी से धीरे से पूछा, क्योंकि हर महाराज किसी माँ से ही पैदा हुआ होगा, कोई क्षण आया होगा जब वो अपना घर छोड़ के निकल गया होगा, तो मैं उस क्षण को समझना चाहता था कि किस क्षण में तुम क्यों घर छोड़ के चले आए, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही सोचने लगा था। मेरे लिए भी आश्चर्य था, मैक्सिमम लोगों ने कहा कि अपनों से दुख पाके कोई दिन घर छोड़ के चले आए।
मैं सोचता था कि ये ज्ञान की तलाश में निकले होंगे, ये जिंदगी की तलाश में निकले होंगे। चर्चा करने के बाद पता चला कि कोई दिन अपनों के बीच में क्लेश हो गया, घर में कुछ झगड़ा झंझट हो और दिमाग खराब हुआ, घर छोड़ के चले आए। भारत में कम से कम पीले कपड़े की गेरवे कपड़े का इतना सम्मान है ही है कि आपको ससम्मान जिंदगी में रोटी पानी मिलता रहेगा, कोई आपसे ज्ञान की दो बात भी कर लेगा, पूछ लेगा। तो वहाँ मेरे को ये लगा कि नहीं, इसमें हमले में भी दम नहीं है। तो ये जिंदगी की तलाश करते करते फाइनली मुझको लगा कि इस पढ़े लिखे समाज में अपनी दाल गलेगी नहीं। तो हमारे बीच में कुछ गायत्री परिवार के लोग थे, मैं उनसे चर्चा करता रहा। तो वो बस्तर में काम करते थे। बस्तर आप तो जानते होंगे, कितने लोग बस्तर से परिचित हैं? बस्तर बहुत बढ़िया, रायपुर के पास बस्तर। तो उन्होंने मेरे को आदिवासी के बारे में बताया। तो दिल्ली में रह के आदिवासी नेकेड रहता है, चींटी की चटनी खाता है और वो जंगल में अभी भी कोई भी फसल नहीं उगाता है, वो केवल फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे निर्भर रहता है और उनकी कुछ अपनी परंपराएं हैं। तो दिल्ली में रह के ये सुन के मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई एलियन प्लैनेट के बारे में बताया जा रहा है, और उनकी कुछ समस्याओं के बारे में भी उन्होंने बताया। मैं दिल्ली से परेशान था ही, और परेशान इस बात से भी था कि लोग बीवी को तंग करते थे। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि कम से कम घर से इतनी दूर चला जाना है जहां कोई ये ना पूछे कि आजकल क्या करते हो। तो 95 में मैं अपने 2.5 साल के बच्चे को लेके, और उसके पहले चूंकि मैं सरकारी फंडिंग और ये सब तमाम एनजीओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ काम कर ही चुका था, तो ये निष्कर्ष भी मेरा बहुत गहरा आ गया था कि पैसे से विकास नहीं होता है, प्रॉब्लम मानव की मानसिकता में है और वो पैसे से मानव की मानसिकता का ज़्यादा लेन देन नहीं है। और इस मानसिकता का सॉल्यूशन ना धर्म के पास दिखाई देता है, ना एजुकेशन में दिखाई देता है। तो क्या किया जाए? तो चलो जिंदगी कहीं मीनिंगफुल जिंदगी बिताई जाए। तो मैं 95 में अपने 2.5 साल के बच्चे को लेके बस्तर के ट्राइबल में, ट्राइबल बेल्ट में आ गया, और सरकारी पैसा लेना नहीं है और किसी गाँव का निवासी होके रहना है। मेरे देश का गांव इतना गरीब नहीं है और मैं इतना अनुपयोगी नहीं हूं कि उन पे बोझ बनूं। मैं गांव का निवासी होके आदिवासियों के बीच में 10 साल रहूंगा तो मैं गांव को समझ पाऊंगा और गांव के लिए कुछ बेहतर सोच पाऊंगा। ऐसा सोच के मैं 95 में बस्तर आया। ये सौभाग्य ही था कि उन्हीं जंगलों में एक ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात होती है जहाँ वो कभी स्कूल नहीं गए, जहाँ साइंस रुकता है वहाँ से वो शुरू होते हैं, जहाँ धर्म और अध्यात्म रुकता है वहाँ से वो शुरू होते हैं। जो आंसर्स हमारे पास साइंस में नहीं है, धर्म और अध्यात्म में नहीं है, वहाँ से वो व्यक्ति शुरू होते हैं। तो बेसिकली कर्नाटक के रहने वाले थे। जब मैं उनसे मिला तब उनकी आयु लगभग 75 के आसपास थी। 75 की एज में उनकी जवानी एक 25 साल के लड़के से ज़्यादा थी। तो जिस तरह की वो बात जिस कमांड के साथ करते थे, तो एक सुखद संयोग रहा कि धीरे से उनसे मिलने का मौका मिला। तो जो भी तमाम समस्याएं जिंदगी में पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे और एजुकेशन, देखिए एजुकेशन को लेके जय कृष्णमूर्ति, ओशो और तमाम शिक्षाविद ने बार बार ये कहा है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। लेकिन जब ये पूछो को अच्छा बताओ क्लास 1 में क्या दें, 2 में क्या दें, 10th में क्या दें, तो वो CBSE, ICSE, IB बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, उतना ही कंटेंट है। तो ये भी बार बार सवाल उठता था, ये भी बार बार एक पीड़ा की बात आती थी कि जब यदि हम बाई एजुकेशन इंजीनियर और डॉक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये बाई एजुकेशन एक हेल्दी माइंडसेट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्यों हम अपनों से दुख पाते हैं? जैसे घर परिवार कब टूटे, परिवार कब टूटता है? जब परिवार में गरीबी होती है कि जब परिवार में पर्याप्त पैसा होता है? जब पैसा आता है। पार्टनरशिप कब टूटती है? जब स्ट्रगल कर रही होती है पार्टनरशिप की, पर्याप्त पैसा आ जाता है। जब पर्याप्त पैसा आ जाता है, जब हमारे खुशी मनाने के दिन आए तब हम टूट गए। एक माँ से पैदा हुए 2 बच्चे, एक थाली में खेले, एक गली में खेले, एक स्कूल में गए और उनको बंटवारा ही होता है। क्यों ये सास बहु का रिश्ता ऐसा है ना, क्यों ये तमाम प्रॉब्लम? तो एक बात धीरे धीरे ये बात, तो जब भी किन्हीं धर्म के बड़े लोगों से इस बात को पूछते थे कि भाई एजुकेशन में कुछ बेहतर होने की ज़रूरत है, आप बोलते हो कंटेंट क्या होगा, तो बोलते थे कि देखो महापुरुष इशारा कर गए हैं, अब कंटेंट तो हमको आपको बनाना है। तो मैंने कहा यार इतने ही हम होशियार होते तो हम ही महापुरुष नहीं होते, है ना? तो कुल मिला के इसका कोई ठोस आंसर नहीं मिलता था। आदरणीय नागराज जी जिनकी मैंने चर्चा किया कि बस्तर के जंगलों में उनसे मुलाकात हुई,
तो जिस ग्रुप में मैं गया संयोग से उसी समय में उन्होंने इस ग्रुप में आना शुरू किया, और उनसे मिलने के बाद, और उनको समझने में 2-3 साल का समय लगा, लेकिन उनसे मिलके और उनको समझने के बाद, दोस्तों इन 3 घंटे तो शायद नहीं है, अब 2-2.5 घंटे ही अपने पास है, लेकिन 2-2.5 घंटे में मैं आपसे कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक आशा की किरण जरूर दिखाई देगी कि जिस तरह से एटम और सेल को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस को हम क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं, हम सिविल इंजीनियरिंग करके एक बढ़िया बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस हमको आ जाता है। क्या ऐसी एजुकेशन होने की ज़रूरत नहीं है कि 15-20 साल एजुकेशन में हम लगा ही रहे हैं, ये 15-20 साल लगा के जिस तरह से एक बढ़िया बिल्डिंग डिज़ाइन करके देने का कॉन्फिडेंस हमको आता है, एक शानदार ज़िंदगी डिज़ाइन की जा सकती है, ये कॉन्फिडेंस आने की ज़रूरत है कि नहीं है? इसकी ज़रूरत है। और देखो, हमने बहुत मेहनत की है। यदि हमारी पुरानी, हमारे फादर्स और उनकी पीढ़ी को देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी में शारीरिक श्रम ज़्यादा था, फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा थी, और अब हमारे बच्चों की ज़िंदगी में फिजिकल मेहनत कम हो गई, लेकिन मानसिक श्रम, ये मानसिक श्रम बढ़ गया है। कैसे मानसिक श्रम बढ़ गया? 2-4 एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं तो पिछले 20 साल से इस काम में लगा ही हूँ। पिछले कुछ समय से कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाने का मौका मिला और यूथ से बात करने का मौका मिला, तो एक बात पे ध्यान गया कि यूथ में, मासेस में शादी ना करने वाला प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई देता है। शादी नहीं करना, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? शादी कर लिया तो बच्चे नहीं करना है। और तीसरा क्वेश्चन गर्ल्स का ये भी रहता है, ये लड़की क्यों लड़के के घर जाती है, लड़का क्यों नहीं आ सकता है? कितने लोगों को लगता है ऐसा, लड़का क्यों नहीं आ जाता है? हाँ, बहुत लोग को लगता है लड़का ही आ जाए। अब क्या, अब ना लड़का लड़की के यहाँ जाता है ना लड़की लड़के के यहाँ, दोनों पतली गली से हैदराबाद निकल जाते हैं, बेंगलोर निकल जाते हैं, लंदन निकल जाते हैं। तो संयोग ऐसा है कि पिछले 5 साल से मैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तराखंड, उस बेल्ट में ज्यादा काम करता हूँ। तो हमारे गुजरात के मित्रों ने कहा कि मैरिज पे एक हमको वर्कशॉप करने की ज़रूरत है। तो हमने हैप्पी मैरिज एंड गुड पेरेंटिंग के नाम से 3 दिन का एक वर्कशॉप किया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लेकिन ऐसा लगा 3 दिन कम है, तो हमने 5 दिन का किया और 2 वर्कशॉप और किया। तो मैं एक बेटी का वर्जन आपको शेयर करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मानसिक श्रम कैसे बढ़ा है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो ये एक ऐसी वर्कशॉप है जिसमें कि कुहू बेटा भी अपने वीडियो में बोल रहे थे कि सारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है, तो इसमें दुनिया जहान के किसी भी डायमेंशन से आप कोई भी क्वेश्चन लाओ, अभी 3 घंटे में नहीं, 7 दिन आंसर मिलेगा। आदरणीय नागराज जी से मेरी पहली जब कुछ दिन मुलाकात हुई और हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते थे, तो एक दिन उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि मेरा मेरे पास 700 करोड़ के लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर। तो बड़ा अहंकार को बड़ी ठेस लगी कि यार अपने पास अपनी ज़िंदगी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं और ये व्यक्ति कहता है कि मेरे पास सारे, पर क्या ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है? तो मैंने 2.5 साल, 2 साल तो केवल इस बात के लिए मेहनत किया कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन बना सकूं जिसका उत्तर आदरणीय नागराज जी के पास ना हो। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि उस प्रोसेस में मेरे को दर्शन समझ में आ गया, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए। तो खैर, जो मैं बात कह रहा था कि पेरेंट्स ने शिविर किया, पेरेंट्स ने वर्कशॉप किया, और बेटी ने, उनकी ने कह दिया कि पापा मेरे को शादी नहीं करना है और आप मेरे को शादी के लिए फोर्स नहीं करोगे। तो अब माँ बाप को लगता है भी बेटी शादी के लायक हो गई है तो बेटी शादी कर ले, ताकि वो भी आगे की अपनी ज़िंदगी सोचे और हम लोग भी कुछ और सोचें। माँ बाप से बेटी कन्विंस नहीं हुई तो उन्होंने उसको एक बात के लिए कन्विंस कर लिया कि तुम 5 दिन के लिए इस वर्कशॉप में चली जाओ, उसके बाद फिर मिल बैठ के अपन बात कर लेंगे और हम कोशिश करेंगे तुम्हारे व्यू पॉइंट को समझें। तो लड़की वर्कशॉप में आ गई, 3 दिन बाद उसने कहा कि सर मेरे को आपसे अलग से बात करनी है। तो लंच टाइम में हम लोग बैठे, 2-4 और लोग साथ में रहते ही हैं, तो उन्होंने जो शेयर किया तो वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखो, उसने शेयर किया कि उसकी एज 27 ईयर्स,
आईटी प्रोफेशनल, 1.5 लाख रुपये पर मंथ का उसका अर्निंग रहा। उसने कहा कि मेरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड्स मेरे फ्रेंड सर्कल में पूरी हो जाती है, मेरे को बच्चे की ज़रूरत होगी तो मैं IVF से ले आऊँगी, और खाना पीना तो आजकल जोमेटो टोमेटो से होता ही है, तो अब मेरे को आप बताओ कि मेरे सर में कौन सी खुजली हुई है कि मैं शादी के नाम पे अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता किसी दूसरे परिवार में जाके गिरवी रख दूँ, और फिर वो मेरे को बताए कि जॉब करना है कि नहीं करना है। बोलिए उसको क्या आंसर देंगे। जितने आधार हमारे पास थे वो उसने पहले से कट कर दिए। अभी हम अधिकांश लोग क्या मानते आए हैं, शादी क्यों करना है? एक बड़ा लॉजिक हमारे पास रहता है या बड़ा बोलने के लिए रहता है, वंश चलाना है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से, शादी क्यों करना है? हाथ तो उठाते रहो, वंश चलाना है। अब वो कहती है वंश चलाना होगा, तो आजकल वंश चलाने के लिए ना माँ की जरूरत है ना बाप की जरूरत है, IVF से, और आजकल तो कंपनी, आजकल कुछ नया नया भी आ रहा है कि बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, और जैसा आपको कस्टमाइज्ड बेबी चाहिए नाक ऐसी, बाल ऐसे, आँख ऐसी, हाइट ऐसी, है ना, तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन बताइए, उसके लायक सीमन आपको मिल जाएगा। तो जितने लॉजिक हम बोल सकते हैं, नहीं नहीं समाज की जरूरत होती है, किसी अपने की जरूरत होती है, तो कहते भी मेरे पास फ्रेंड सर्किल है और 5 दिन की हमारी लाइफ स्टाइल में मजा आ रहा है, 5 दिन की जॉब और 2 दिन चिल करते हैं, बढ़िया पार्टी करते हैं, है ना, बढ़िया अपने बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? मेरी शादी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, समझने की जरूरत उनको है। बताइए क्या सॉल्यूशन है आपके पास? एक तो मैं कहना चाहता हूं कि हम जिन लोगों ने 20-30 साल पहले शादी किया था, तो उस समय अधिकांश लोगों के मन में, या 40 साल पहले शादी किया था, उस समय शादी के लिए आदमी के मन में क्वेश्चन ही नहीं आता था। एक उम्र होने के बाद शादी होती ही है ये एक बायोलॉजिकल मामला है, यानी से उम्र बढ़ती है, जवान होता है आदमी, बूढ़ा होता है, तो एक उम्र आने के बाद शादी होती है, इसलिए हो जाती है। थोड़ा और सोचा तो चलो वंश बढ़ाते हैं, लाल किला बनाए ना, उसको कौन देखेगा, और कुछ नहीं तो बुढ़ापे में साथ, बोले बुढ़ापे में किसी की जरूरत होती है, तो आजकल बुढ़ापे में जरूरत नहीं होती है, आपके पास पैसा रहने की जरूरत है, और ऐसी जगहें हैं जहां आप अपने आप को बढ़िया, वहां एक फ्लैट लेके रह सकते हो, और आपके बुढ़ापे की सारी जो भी कुछ आपको सेवा की और जो भी कुछ देखने की जरूरत है वो, है ना, उसकी पूरी व्यवस्था वहां की गई है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अब बताओ शादी की क्यों जरूरत है? हाँ जी, माइक आपके पास है, कोई लोग शेयर करना चाहें तो एक दो लोग शेयर कर सकते हैं। शादी क्यों करना है? तो जितने लोग पुराने शादी किए हैं, सच्चाई ये है कि उनका भी लाइसेंस कैंसिल होने वाला है, गलती की सजा है। ये देखो भाभी जी साथ में है क्या? नहीं। हाँ, तभी इतनी हिम्मत, यानी एक तो गलती करें और गलती को घुमाएं भी साथ में, कमाल करते हैं आप देखिए अमेरिका का डेटा है कि 2018 में अमेरिका में 40% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हुए हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां बोल रहे हैं 60% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हो रहे हैं। 20 साल पहले अमेरिका में ये डेटा लगभग 20% 18% के आसपास था, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि 2040 में अमेरिका में 60% बच्चे बिना शादी के पैदा हो रहे होंगे, और तब तक भारत भी काफी विकसित हो गया होगा। और इसी बीच में एक न्यूज इससे जुड़ी हुई और आ गई, उसने, क्योंकि जब मैं मैरिज का शिविर कर रहा था तो मैंने कुछ कहा कि यार कुछ डेटा वेटा निकाल के दो, क्या स्थिति है संसार की, तो कई कंट्रीज में तो डिवोर्स रेट 60% के आसपास है, तो लगभग लगभग हम परिवार विहीन समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और उसका एक अलार्मिंग केस अभी, अब क्या करूं, जब न्यूज़ ही आ गई तो मेरे को भी बोलने में क्या दिक्कत है। तो जया भादुड़ी ने अपनी बेटी के लिए कहा, कितने लोगों ने वो न्यूज़ देखी, देखी है ना,
जय भादुड़ी ने अपनी नाती के लिए, नाती ना, नाती के लिए, नाती के लिए कहा, नातिन के लिए कहा कि यदि मेरी नातिन बिन ब्याही माँ बन जाती है तो इसमें मुझको आपत्ति नहीं होगी, ऐसा न्यूज़ में था। ये वही जय भादुड़ी, देखिए अभी भी मेरे को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन का परिवार थोड़ा सा संस्कारी और सम्मानित परिवार के रूप में देखा जाता है। यदि जनरल बात कहें तो थोड़ा सा एक लेवल अप ही देखा जाता है, एक लेवल मेंटेन किया है। ये वही अमिताभ बच्चन जिसकी जंजीर फिल्म हिट होने के बाद यदि उनको पार्टी करने के लिए अमेरिका जाना था और जया भादुड़ी साथ में जा रही थी तो अमिताभ बच्चन के पिताश्री ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जवान लड़की तुम्हारे साथ अमेरिका लंदन जाए, तो तुम शादी करके ही जा सकते हो, और रातों रात शादी हुई तो ही वो लंदन जा सके। उसी की ही दूसरी पीढ़ी में ये स्थिति आ गई कि दादी अपने नातिन के लिए कह रही है कि यदि वो, मुझको ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन जब न्यूज़ में आ गया तो फिर मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ। तो यदि मेरी नातिन बिना बिन ब्याही माँ बन जाए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जब सेलिब्रिटी किसी काम को करने लगते हैं जिनको देश में बहुत सारे लोग मानते हैं, जब वो किसी काम को करने लगते हैं तो फिर समाज में वो स्वीकार्य हो जाता है ना। तो जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो मैं जो बात कह रहा था कि हमारे पिता लोगों की ज़िंदगी में फिजिकल श्रम ज़्यादा था, शारीरिक श्रम ज़्यादा था, और लगभग हमारी ज़िंदगी आते आते, हमारे बच्चों के आते आते शारीरिक श्रम लगभग बहुत कम हो गया और मानसिक श्रम, अब ये बहुत कन्फ्लिक्ट की स्थिति आ गई। शादी नहीं करना चाहते हैं लोग ऐसा नहीं है, पहले शादी होती थी तो एक लड़का होता था, एक लड़की होती थी, लो लड़का पति बन जाता था, लड़की पत्नी बन जाती थी। अभी शादी होती है तो दोनों पति होते हैं और दोनों एक दूसरे में पत्नी तलाशते हैं। कितने लोग सहमत हैं? मानसिक रूप में, क्योंकि भाई दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों कमाते हैं, तो दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों कमाते हैं, तो दोनों ही मानसिक रूप से पति हो गए हैं, दोनों को ही एक लड़की को ऐसे पति की चलाश है जो उसके अनुसार चले, और लड़की को ऐसे पति उसके अनुसार चले, और दोनों को ही अपने। तो अब दूसरा, हमारे पास तर्क आ गया तो हमारी थॉट प्रोसेस में लॉजिक आ गया, लॉजिकल थिंकिंग में, तो हम लॉजिकली अपनी गृहस्थ जिंदगी चलाना चाहते। लॉजिकली गृहस्थ जिंदगी चलाने का मतलब है, लॉजिकल का मतलब है कि रात को 2 बजे तक बच्चा मैं संभालूंगी, उसके बाद बच्चा तुम संभालोगे, मैं बर्तन मांज दूंगी तुम धो दोगे, मैं झाड़ू मार दूंगी तुम पोछा कर दोगे। तो ये जिंदगी ऐसे लाइन मार के नहीं, लॉजिकली नहीं जिंदगी चलती है, जिंदगी तो भावपूर्ण ही चलती है। लेकिन यदि बच्चों के पास लॉजिक आ गया है तो वो लॉजिक से जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे और किसी छोटी सी बात पे आर पार हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं चल सकता। पहले ऐसा बोला करते थे, आपने भी सुना होगा, माँ बाप किसी उम्र में ये सोचते थे कि बच्चों की शादी कर दें तो गंगा नहाए, सुना? बच्चों की शादी हो जाए तो गंगा नहाए का मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। तो पहले बच्चों की शादियां हो जाएं तो गंगा नहाए, और अभी बच्चों की शादी होती है तो गंगा बाढ़ जैसा घर में आती है, क्योंकि प्रॉब्लम ही वहां से शुरू हो रही है। और सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद वो जो सुकून के दिन की हमको तलाश थी, वहां नए प्रकार की टेंशन शुरू होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक वो इलाहाबाद के आसपास का एक फैमिली दिल्ली में शिविर कर रही थी, तो कुछ कुछ घटनाएं ध्यान में रहती हैं। उनके दोनों बच्चे अमेरिका चले गए और फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स और बिल्कुल ट्रेडिशनल फैमिली, उनको लगता था कि अपनी कम्युनिटी में ही शादी होना है, कम्युनिटी के बाहर शादी नहीं होना चाहिए। तो बेटे से नाराज थे कि वो लोग कुछ कुछ और तरह की बातें करते हैं और कम्युनिटी में शादी करने में की उनकी रुचि नहीं है। एक दिन बेटे ने फ़ोन करके बताया कि मेरा दोस्त है, मैं उसी के साथ रहने का निर्णय लिया हूँ। तो अब वो कह रहा है, यार कम से कम लड़की से तो कर ले। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये नई तरह के प्रॉब्लम तो खड़े हो गए हैं जो पहले बहुत छुपे हुए, बहुत छोटे मास में चलता होगा, लेकिन अभी ये बहुत सारी चीजें
जब हम लॉजिकली सोचने लगे हैं तो बच्चा ये देख रहा है यार मेरे माँ बाप ने मेल फीमेल में शादी किया था और मेरे को देख के तो कोई तसल्ली नहीं मिल रही है, मैं नया प्रयोग कर लेता हूँ। हो सकता है ये प्रयोग ज्यादा, और इतने कंट्रीज में ये लोग कर रहे हैं और इतने सारे लोग कर रहे हैं और इसके पीछे कोई जेनेटिक बैकग्राउंड भी होता है, बहुत तरह की बातें हैं। अब ये मानसिक श्रम अलग प्रकार का शुरू हो गया है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के से, जिस तेजी से ये बदल रहा है, जिस तेजी से इसकी मान्यताएं बदल रही हैं, है ना, हमारे संयोग से मैंने नागपुर से ग्रेजुएशन किया, हमारे समय में, कॉलेज के समय में कोई न्यूड फोटो हमारे सामने आ गया तो पहले ये देखना पड़ता था कि आजू बाजू कौन है, किसी ने देखा तो नहीं। ऐसा नहीं था कि देखने का मन नहीं करता था, लेकिन एक शर्म थी। और आपको याद होगा कि BFEF तो किसी किसी की अप्रोच में होती थी, वो सभी के लिए उपलब्ध नहीं था, वो मामला थोड़ा दूर का होता था। आज क्या स्थिति हो गई, दिल्ली में एक 4 साल के बच्चे ने अपने क्लास के बच्ची के साथ में रेप किया और ये केस रजिस्टर हुआ। तो संयोग से सरकार चलाने वाले लोग नज़दीक के हैं, तो मैंने पूछा यार 4 साल का बच्चा क्या करेगा, तो उसने कहा कि उसने पेंसिल यूज़ किया। अब बताइए कि उसने ये सब कहाँ देखा होगा, उसने कहाँ से सीखा होगा, क्यों उसके मन में ये आ गया होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जो कल तक हमारे लिए बहुत अप्रोचेबल नहीं था, आज वो तमाम चीज़ें, हम जो कुछ कर रहे हैं ये छोटे मोटे शिविर हैं, ये महाशिविर चलता है। तो क्या सही है क्या गलत है, आज माँ बाप अपने बच्चों से ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकते तुम हम में से और मोबाइल में से एक को चुन लो। कह पाएंगे? ये आंसर मिलने की संभावना ज़्यादा है कि तुम्हारे बिना चल सकता है, मोबाइल के बिना नहीं चलेगा। तो हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं, कुछ गलत नहीं है, हम बहुत एक अच्छे दौर में आ गए हैं, लेकिन इस अच्छे दौर का सदुपयोग हो सके और ज़िंदगी को फैल के देखने का मौका मिल सके और वाकई में हम ज़िंदगी को देख सकें और दिखा सकें, मेरे को लगता है कि एक मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान जितना आज है उतना आज के पहले कभी नहीं था। स्त्री पुरुष में समानता जो आज स्वीकार्य है उतना पहले आज से कभी नहीं था। तो बहुत सारे दृष्टिकोण से देखेंगे हम एक स्वर्णिम युग में हैं, लेकिन हर युग की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं या उसके इवोल्यूशन के प्रोसेस में उन चीज़ों को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो मैं इन सारी बातों के संदर्भ को, जिस बात को आपसे कहना चाहता हूँ उस संदर्भ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। तो यदि मैं बात को शुरू करूँ तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, थोड़ा यदि हम शांति से सोच के देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुश होने लायक क्या क्या है, तो ज़्यादा क्या ध्यान में आता है, हमारी ज़िंदगी में खुश होने लायक क्या क्या है, जो अधिकांश की ज़िंदगी में हो सकता है। तो लगभग हमने एक लंबी छलांग लगाई है सुविधाओं के मामले में, पैसे के मामले में, जितना हमने सोचा नहीं था उतनी लंबी छलांग लगाई है। और शायद हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी से लेके स्पेस शटल तक के यात्रा का सपना अपनी ज़िंदगी में साकार होते हुए देखा। बट ठीक है, हमारी पीढ़ी ने जितने वो टेलीफोन होता था, आपको याद होगा मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था और पीपी नंबर दिया करते थे, कितने लोगों को याद है पीपी नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, पड़ोसी का फोन। तो पीपी नंबर हुआ करता था, और भाई साहब जिसके पास मोहल्ले में फोन होता था वो VIP से कम नहीं होता था। आज हम में से हर एक की जेब में 2 फोन रहते हैं। तो जितनी तेजी से ये सुविधा पक्ष बदला है, तमाम मेट्रो की, रायपुर में तो कितनी, नागपुर में तो मेट्रो की कितनी जरूरत है कि नहीं है, लेकिन मेट्रो तो आ ही गई। तो सुविधा पक्ष जितना तेजी से बढ़ा है उतना हमने शायद कल्पना नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया, बोलते जाओ अपनों से। और अब यदि इसको और गहरा किया जाए तो अपनों से पाया कि अपने आप से पाया, अपने आप से पाया। कैसे, किसी ने मेरा अपमान 20 साल पहले किया था, उसने अपमान कितनी बार किया, एक बार, और मैंने उसको याद करके कितनी बार दुखी हुआ, 20 लाख बार। तो हम लोग काफ़ी मेहनती लोग हैं, काफ़ी मेहनत करके दुख पाए हैं, हर दिन सुबह उठ के संकल्प लेते हैं आज शाम तक दुखी होकर रहूँगा, और शाम तक हम सफल हो जाते हैं। दोस्तों
एजुकेशन ने एक बड़ा काम कर दिया। पिछले सालों की यदि 100 साल की उपलब्धि के रूप में देखें तो हमारी बड़ी उपलब्धि है कि हम लॉजिकली मटेरियल वर्ल्ड को समझ पाने में सफल हो गए, इसलिए मटेरियल वर्ल्ड की एजुकेशन को हम क्लासरूम में ले आए और इंजीनियरिंग और तमाम टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर घर में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो गई। ये जो अनुसंधान मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं, ये क्वांटम लीप है, ये एक लंबी छलांग है मानवता के लिए। अभी तक जब भी हम मानव में किसी गुणात्मक परिवर्तन की बात करते थे, मानव में किसी चेंज की बात करते थे, वो हम किसी धर्म और अध्यात्म के प्लेटफॉर्म पे करते थे। किसी धर्म और अध्यात्म की तलाश आदमी को कितनी एज में याद आती है? आदमी को धर्म और अध्यात्म की अपनी जिंदगी में कब या कितनी एज में याद आती है? मैक्सिमम को तो शायद आती ना हो, और जिनको आती है तब तक हाथ पैर ढीले हो चुके होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देखो, हम धर्म और अध्यात्म के रूप में ये एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, और हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक बचपन है जब मेरा माइंडसेट तैयार हो रहा है, मेरी हैबिट फॉर्मेशन हो रही है, मेरी साइकोलॉजी तैयार हो रही है, मेरा एक दृष्टिकोण डेवलप हो रहा है। उस समय मेरे को किसी धर्म और उसकी पता नहीं, मेरी दृष्टि कैसी हो, मेरी समझ क्या हो जिंदगी को लेके, उस समय कोई एक्सपोजर मेरे पास नहीं है। और फिर जब मैं धर्म धक्का खाता हूँ, अपनों से दुख खा लेता हूँ, परेशानियों से घिर जाता हूँ, तो फिर मेरे को किसी बाबा की तलाश होती है ना। स्वस्थ रहना है तो एक बाबा, और मन की शांति तो दूसरा बाबा, और प्रमोशन चाहिए तो तीसरा बाबा, है ना। तो भैया ये 20 साल में क्या देना है ताकि दुनिया में किसी तरह के शिविर की जरूरत ना पड़े, क्या लगता है? हाँ, इस बात पे ढंग से तालियां हो सकती है। 20 साल में क्या दिया जाए? किसी भी महापुरुष ने 20 साल से अधिक तपस्या नहीं किया है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, और जितना भी पहले का आप सुन लीजिए, अधिकांश लोग 6, 8, 12, 18, है ना। हर बच्चा 20 साल तपस्या कर ही रहा है, 6 घंटा रोज अपने स्कूल एजुकेशन में, उसके बाद ट्यूशन जाता ही है। पहले स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर होमवर्क ले आता है। पहले वाले बच्चे को कम से कम लगता था घर में मेरी माँ मिलेगी जो मेरे बारे में बात करेगी। अभी जब वो घर पहुँचता है तो माँ में भी टीचर की आत्मा आ गई है, है ना। वो कहती है होमवर्क किया क्या? तो बच्चा अपनी माँ की तलाश में है, मेरी माँ कहाँ गई। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हैं तो इस बात पे हमारा ध्यान जाता है कि एक तो बढ़िया शानदार काम हो गया कि हमें एजुकेशन के माध्यम से हमने तमाम इंजीनियर डॉक्टर पैदा कर दिए। ये बहुत सुखद बात है। तो जो अनुसंधान में आपके सामने कहना चाहता हूं, यदि लॉजिकली जड़ संसार को समझा जा सकता है और सुविधा का अंबार लगाया जा सकता है, जो कि हमने लगा लिया, यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है तो सुविधाओं का अंबार लगाया जा सकता है, यदि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को समझा जा सकता है तो संबंध का उजड़ा हुआ संसार बसाया जा सकता है। यदि बैलगाड़ी इतिहास हो सकती है तो क्या यह जरूरत नहीं है, क्या यह आवश्यकता नहीं है कि सास बहू के झगड़े भी इतिहास हो जाएं? फर्क इतना ही पड़ा है, पहले बहू कांपते हुए आती थी, अब बहू आती है तो सास कांप रही होती है। कोई कोई लोग ठीक से ताली बजाते, जो आज नहीं बजा रहे हैं वो कल बजाएंगे। लेकिन ये दुखद है, दुखद है। आपके ध्यान में है कि नहीं, कोई 4-5 साल पहले दिल्ली में एक बिहार के आईएएस ने सुसाइड किया था, और उसने अपना वीडियो रिलीज किया था सुसाइड करने के पहले। 35 साल का बिहार का आईएएस जिसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड के बहुत मार्मिक भाषा में उसने अपने भाव को व्यक्त किया। वो भाषा तो मेरे याद नहीं है। उसने कहा कि मेरी माँ और मेरी पत्नी में बनती नहीं, मेरे को मेरी माँ भी उतनी प्यारी है, मेरी पत्नी भी उतनी प्यारी है, पर मैं इनका रोज रोज का क्लेश झेल नहीं पाता हूँ, और मेरी दो बेटियों को छोड़ के मैं हमेशा के लिए संसार से विदा हो रहा। बहुत कोल्ड ब्लडेडली उस व्यक्ति का वीडियो देखिए, उसके इमोशन, उसकी भाषा, उसका भाव, और उस आदमी ने ट्रेन के सामने कट के अपनी जान दे दिया। 35 साल का आईएएस आदमी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है मैं आईएएस हो गया, कि मैं आईपीएस हो गया, कि मैं 2000-4000 करोड़ का हो गया, लेकिन मेरी अपनी ये जो भाव और विचार की जर्नी है, मेरे भीतर जो ये चलता है, और मेरे घर में और मेरे ऑफिस में ये जो चलता है,
जो रैगिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ करती थी, बुलिंग वो स्कूल्स पे आ गई कि नहीं आ गई? हम स्कूल में ये सब नहीं होता था हमारे समय में। कोई भी नया बच्चा आता था, बाकी लोग उसको कॉपरेट ही करते थे। अभी स्कूल अपने आप में एक स्ट्रगल है किसी नए बच्चे के लिए, या आपने बाद में एडमिशन कराया था। तो इन सारी बातों को देखते हुए तो मैंने 92 में जॉब से रिज़ाइन किया और 3-4 साल दिल्ली में काम किया और 3-4 साल बस्तर में काम किया। इन 6-7 साल काम करने अपने अंदर की, अपने भीतर के कन्फ्लिक्ट, परिवार के कन्फ्लिक्ट, समाज के कन्फ्लिक्ट, सरकार के प्रॉब्लम, शिक्षा के प्रॉब्लम, फिर वर्ल्ड वाइड है ना, वो यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो बोल रहे थे 4 दिन में पूरा हो जाएगा। अभी चल रहा कि बंद हो गया? चल रहा है, 1 साल हो गया। अब आप सोचिए, इस धरती का पूरा ऐश्वर्य, इस धरती की पूरी जलवायु, इस धरती का पूरा रिसोर्स, इस धरती के सारे लोगों का है। कुछ लोगों को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो तमाम बॉम्ब पटक पटक के किसी देश को, किसी जलवायु को, किसी पूरे आने वाली मानवता को है ना, मानवता की हत्या करेंगे या इस तरह से करेंगे? क्या ये उचित है ना? यदि कुछ भी होता है, उस जलवायु का प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम सोचते हैं तो मैं कहता हूँ कि देखो, कुल मिला के 20 साल आज एक जवान बच्चे से अपने माँ बाप को बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और भाई साहब अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है, वो कहता है पापा बहुत बिजी हूँ। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? लेकिन वही जवान बच्चा किसी कॉलेज में जाके फीस देके 6 घंटे किसी को सुनने के लिए तैयार है। तो जो सुविधा एजुकेशन में, जो फैसिलिटी एजुकेशन को प्राप्त है कि एक बच्चा 20 साल उसको सुनने के लिए तैयार है, तो 20 साल में क्या दिया जाए? यदि राज्य में अपराध है तो ये शिक्षा की असफलता है, यदि विश्व में युद्ध है तो ये शिक्षा की असफलता है। इसका मतलब है कि बाय एजुकेशन हम आदमी को जीना नहीं सिखा सके। दो भाइयों के बीच में AK-47 कब रखना पड़ता है? युद्ध हमारी वीरता है कि युद्ध हमारी मजबूरी है? हमको जीना नहीं आता है, इस नाम पे युद्ध हमारी मजबूरी है। हमारी मुजफ्फरनगर में एक बहन है, आप रिवॉल्वर में ले, आप हमारी बहनें रिवॉल्वर पर्स में लिपस्टिक रखती हैं, वो हमारी बहन पर्स में रिवॉल्वर रखती है। हाँ, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वो कुछ लोग, उनका सर्किल, कुछ यूपी का माहौल, तो ये कब रिवॉल्वर रखने की आवश्यकता पड़ी? सब तो नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई भाई का बंटवारा हुआ, सास बहू, हमने दुख फिर से कहूंगा, अपनों से पाया कि परायों से पाया? डेटा कहता है कि 80% महिलाएं अपनों से फिजिकली अब्यूज्ड। खतरा किससे है? घर में है, हमने दुख अपने घर में पाए, किससे जाके बता दें? तो दोस्तों, यहां से एक आवश्यकता खड़ी होती है। मैंने कहा कि ये क्वांटम लीप है, क्वांटम लीप है, छलांग है मानव जाति के लिए, कि जिस तरह से हम विज्ञान, जड़ संसार को समझ पाए, उस तरह से हम जिंदगी को क्लासरूम में ला सकते हैं। ये एक नई घटना घटी है पिछले 20 सालों में। लगभग मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन, छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन, दिल्ली स्कूल एजुकेशन, 3 सरकारों के साथ हमने स्टेट लेवल के प्रयोग करके देखे। AICTE के माध्यम से, इंजीनियरिंग की कंट्रोलिंग अथॉरिटी AICTE है, उसके माध्यम से पूरे देश में ये कंटेंट UHV के नाम से चलता है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से चलता है ना। और पिछले 5-7 साल में दिल्ली में जो कुछ प्रयोग करने का मौका मिला, उससे कम से कम देश में भी और देश के बाहर भी एक स्वीकार्यता बनी है कि हाँ, क्लासरूम में जिंदगी में बात हो सकती है। हैप्पीनेस करिकुलम के रूप में उसमें काम किया। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों के साथ जो कुछ भी काम किया, और समाज के रूप में, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे लिए ये काम कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं है। मैं और हमारे जैसे बहुत सारे मित्र और यहाँ जिन लोगों ने भी मिल के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, सभी इसको परिवार विधि से ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें कोई हायरार्की नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, सेंट्रल बॉडी नहीं है, फंडिंग नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार का फंडिंग नहीं है। केवल परिवारों का समूह है, जिनके परिवार में वो बात गई, जिनकी अपनी ज़िंदगी में, परिवारों में कोई चेंज आया, वो मिल के ना शेष अपने परिवारों को भाई बहन मानते हुए अपनों के साथ बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के अपने परिवार के साथ में हम शेयरिंग करते हैं। कैसे ठीक हो गया? ताकि ये क्लैरिटी रहे है ना, कि जो कुछ हो रहा है वो किस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है।
तो ये एक परिवार मिलके अपने परिवारों के लिए ऐसा सोचते हैं और मिलजुल के उसको शेयर करते हैं। तो देखिए, मैंने जितनी सारी बात कही उसका सार क्या निकला, कोई बोलेगा? मैंने जितनी बातें आपसे कहने की कोशिश की, मैंने नटशेल में क्या कहने की कोशिश की? माइक 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 हेलो हेलो सर, आप मानवता की तरफ जाना है, यही विकास होगा। बढ़िया। और हाँ जी, हेलो सर, सर आपने बोलिए बोलिए। हेलो सर, आपने जो ह्यूमन वैल्यू के लिए बोला है, हाँ हाँ, वो एक्चुअली जो सिस्टम में जो चेंजेस लाना है, जो हमें बीज बोने के समय से जो परिवर्तन लाना है, उस चीज़ को आपने पेनिट्रेट किया हुआ है, वो सही में उसका रिजल्ट आना चाहिए, वो चीज़ें होना चाहिए, वही चीज़ पे आपने फोकस किया हुआ है कि आज मुझे वो बीज बोना है जो आने वाले 20 साल बाद, आप 40 साल के बाद आप जो ढूंढोगे वो पहले 20 साल पहले बोल तो तब आप फल खाएंगे इसका। जी बढ़िया। हाँ जी, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, इधर एक माइक दीजिए। थोड़ा जो लोग बोले खड़े होके बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा कैमरे में कवर हो जाएगा। नहीं, माइक आने दीजिए। हाँ जी, माइक इधर दीजिए, एक माइक उधर उधर कॉर्नर पे, थोड़ा हाथ खड़ा कर दीजिए। हेलो, हाँ, अपना इंट्रोडक्शन भी करते जाइए। ओके, मेरा नाम रामचंद हबलानी है, मैं रामदेव बाबा कॉलेज में पढ़ाता हूँ। और अभी हम लोगों ने ये सीखा कि जैसे हम इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, ऐसे जिंदगी जीना भी सीखा जा सकता है, ये मेन है। भाई साहब, आपके बोलने के पहले बोल रहा हूँ, मेरा लगभग 30 साल का सामाजिक जीवन हुआ और 30 साल में मैं हजारों लोगों से मिला, मेरी खुद की जिंदगी, मेरी खुद की फैमिली, अभी संयोग से मैं दादा बन गया हूँ, है ना? और मैं कह सकता हूँ कि फैमिली, फ्रेंड्स, समाज, ये सब कुछ कितना कितना पोटेंशियल है इसमें, हर एक आदमी में कितना पोटेंशियल है और कितना सुंदर सब कुछ हो सकता है, और ये कुछ भी मुश्किल नहीं। देखो, मानव को छोड़ के पूरे नेचर में कोई स्ट्रगल नहीं है। हाथी शाकाहारी सबसे अधिक खाता है, कभी सुना भूख से मर गया, है ना? कोई स्ट्रगल करता हुआ दिखाई नहीं देता है। आदमी का प्रोडक्टिविटी इतना ज्यादा, आदमी का कंजम्पशन इतना कम, और ये आदमी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है और अपनों से स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है, ये बहुत शोचनीय है। जी डॉक्टर कदम, life education can be brought to the classroom and it has all the solutions of human challenges. और यही नहीं, यही नहीं, देखिए आज ये भी सोचना पड़ेगा, अभी अच्छा हुआ कि अभी ये जो इलेक्शन हुआ गुजरात वाला, उसमें राजकोट के पास एक गांव है, उसका मैंने न्यूज में देखा, राजकोट के पास एक गांव है, उस गांव ने अपने गांव में प्रस्ताव पारित कर रखा है कि हर व्यक्ति वोट देने जाएगा, जो वोट देने नहीं जाएगा उसको 1,000 रुपया फाइन लगेगा। और उसने ये तय कर रखा है कि हमारे गांव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कन्वेंसिंग करने नहीं आएगी। हम टीवी में सबके व्यूज सुन रहे हैं, टीवी में सब कोई बोलते ही हैं, और हर व्यक्ति अपना मन बना ले, जिसको वोट देना दे दे, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे गांव में नहीं आएगी। क्यों ऐसा किया? हर 5 साल में 3 इलेक्शन होते हैं। देखो, शहरों में तो रिश्ते हैं नहीं, शहरों में हर व्यक्ति अपने मकान में रहता है, उसका एक अपना व्यवसाय है, उसकी एक अपनी दुनिया है, उसका एक अपना करियर है। लेकिन गांव के तो वो लोग, जब यदि बैक में पीछे में जाएंगे तो पता चलेगा एक ही माँ बाप की संतान वाला एक गाँव है, गोत्र में शादी नहीं होती है, आपको पता ही है। अब ये इतने सालों के इनके रिश्ते, 5 साल में 3 इलेक्शन होना है, 3 बार दारू की बहार और 3 बार पैसे बटेंगे और हम ही एक दूसरे के विरोध में खड़े होंगे और गांव के रिश्ते तबाह हो जाते हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है कि हमारा लोकतंत्र और हमारा हमारा इलेक्शन का मैकेनिज्म वहां से बहुत अच्छा है कि जब कोई धर्म गुरु सरकार चलाता था, जब कोई राजा सरकार चलाता था, वहां से लोकतंत्र में अब सरकार चलती है। जितनी दूर चले आए ये पॉजिटिव है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, ये पॉजिटिव है। जब ये लोकतंत्र बना और हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है ऐसा आया, तो ये क्वेश्चन खड़ा हुआ कि हर व्यक्ति अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगा, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो इसका आंसर किसी के पास नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट ये मान लिया गया कि वोट देते समय आदमी गलती नहीं करेगा,
ठीक हो गया। तो ये भी हमको सोचना होगा कि यदि ये इलेक्शन का मैकेनिज्म ऐसा रहेगा तो क्या वाकई में सही आदमी चुन के आने की प्रक्रिया बनेगी, क्या वाकई में इलेक्शन में मनी मीडिया मैनेजमेंट मनी और पैसा नहीं चलेगा, और क्या फिर वो बाद में सत्ता में उसको वसूली नहीं करेगा, क्या फिर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो हमारे 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 समाज का प्रॉब्लम में से एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे जो इलेक्शन का मैकेनिज्म है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इलेक्शन का मैकेनिज्म है इसमें भी कोई ऐसा मैकेनिज्म आने की जरूरत है जो कि फेयर हो, जिसमें कि सही व्यक्ति सही जगह पहुंच सके। आज इलेक्शन जीतने की योग्यता एकदम अलग है, और इलेक्शन जीत के आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए कि कुछ बन गए, वो एजुकेशन मिनिस्टर की योग्यता एकदम अलग है। दो अवतारी पुरुष कहां से लाओगे? दो अवतारी पुरुष है। तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को दोष नहीं है, किसी पार्टी को दोष नहीं है, सब हमारे ही आपके भाई बहन हैं, लेकिन इसका मतलब है कि शिक्षा का वो काम भी है कि वो उस तरह की एक राजनीतिक व्यवस्था को बता सके जिसके आधार पे कि सही अर्थों में, देखो बच्चे को पढ़ाते हैं सदा सच बोलो, और सदा सच बोलो जिंदगी में आके सबसे बड़ा झूठ है। ये सब सोचने की बातें हैं ना यार, ये हो क्या रहा है? दिल्ली में आईएम लखनऊ का सेंटर है, आईएम लखनऊ का नोएडा में सेंटर है, उसके सीनियर प्रोफेसर ने वर्कशॉप किया, वर्कशॉप करने के बाद उन्होंने अपने मुंह से शेयर किया कि हम एग्जीक्यूटिव एमबीए कराते हैं जिसमें 3 सेमेस्टर होता है, 47 लाख का फीस है, 3 सेमेस्टर हैं, 47 लाख का फीस है, और हम केवल इतना ही सिखाते हैं जितना गिर सकते हो उतना उठ सकते हो, सार इतना है। कॉलेज में आए तो ये सिखाना पड़ा, बचपन में है तो ये सिखा रहे हैं कि सदा सच बोलो, ये कितना आपस में कन्फ्लिक्ट वाला है। उसी बच्चे को जब वो जवान हो जाता है तो आपका बच्चा सच बोलता है तो आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, बी प्रैक्टिकल। तो कभी फिर उनको बच्चे को स्मार्ट नहीं है, ये मेरा बच्चा सीधा है। कैसा समाज हमने बना लिया? क्या वाकई में सही अर्थों में मानवता के साथ में जीने के लिए, सच्चाई के साथ में जीने के लिए हमने व्यापार और ये व्यवस्थाएं बनाई हैं? यदि इन व्यापार और इन व्यवस्थाओं में सफल होना है तो आपको आपको वो सारे तरीके सीखने पड़ेंगे जिसको स्मार्ट बोलते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट है। तो हमारी एजुकेशन सही अर्थों में कैसी हो, हमारी व्यवस्था कैसी हो, हमारा बाजार कैसा हो और मेरा माइंडसेट कैसा हो, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कोई सरकार कोई संविधान ने नहीं बोला है कि तुम पति पत्नी झगड़ा करो और भाई भाई का बंटवारा कर लो, ये तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन फिर भी हमको कहाँ अपनों के साथ जीना आया। सारा आत्मा परमात्मा करने के बाद भी कौन कौन हमारे बच्चे कैसे, बच्चों को साइंस पे भरोसा क्यों नहीं होगा? हम मोबाइल से बात करते हैं और आदमी कहीं भी रहता है 4 नंबर लगाने से बढ़िया बात होती है, लेकिन जब अपनों से बात करते हैं तो बात नहीं होती है, और अपने से बात करते हैं तो बिल्कुल बात नहीं होती है। तो जिसकी अपने से बात हो जाती है उसकी अपनों से बात हो जाती है। आप कुछ कहना चाहते? जिस प्रकार आपने बताया कि बच्चा स्कूल से आने के बाद माँ की ममता को याद ढूंढ रहा है, हाँ, तलाश कर रहा है, बिल्कुल। आज के वर्तमान समय में जो संस्कार देने की जो उम्र है, और जिस प्रकार पहले संस्कार हमारे संयुक्त परिवार में दिए जाते थे, वो आज संयुक्त परिवार तो रहे नहीं, इसलिए संस्कार की बात खत्म हो गई। तो उसी प्रकार आपका जो उद्देश्य है ये बताने का कि जो पहला जो मनुष्य के जीवन के पहले 20 साल है वो एक संस्कार देने का समय है, उसमें जो संस्कार जो बीज को अपन खाद पानी देंगे वो इसका फल आगे अपने को मिलेगा, वो ही हो सकता है। देखिए आपकी बात ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर कितने समय में अपडेट होता है बताइए? आप जो मोबाइल यूज करते हैं उसका सॉफ्टवेयर कितने महीने में अपडेट हो जाता है? 6 महीने, ठीक हो गया। और हमारा सॉफ्टवेयर कब से अपडेट नहीं हुआ है? 2500 साल पहले बौद्ध और जैन फिलॉसफी आई, तो 2500 साल से 2500 साल से हमारा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है। जो कुछ हमारे पास है वो 2500 साल पहले का है, उसके पहले तमाम सॉफ्टवेयर उसके पहले का है। भारतीय जो संस्कृति है और भारतीय जो धारा है उसकी खूबसूरती ये है कि उसने नए सॉफ्टवेयर को स्वीकारा है। यहाँ आस्तिक दर्शन भी स्वीकार होता है, नास्तिक दर्शन भी स्वीकार होता है,
है ना, ईश्वर को, ईश्वर के वो वाम मार्गी साधनाएं भी हैं और दक्षिण मार्गी साधनाएं भी हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। और देखिए काम की बात क्या है, काम की बात इतनी है कि सभी मानव में सोचने समझने की क्षमता सीमित है कि असीमित है, सभी मानव में सोचने समझने की ताकत, मैं उस ताकत का किस दिशा में प्रयोग करूं वो अलग बात है, मैं उससे मोक्ष के लिए सोचूं कि मैं उससे दारू के लिए सोचूं ये अलग बात है, लेकिन सोचने की क्षमता बनी रहती है कि खत्म हो जाती है? हाँ जी बनी रहती है, बीमार रहूं तो भी सोचने की क्षमता बनी रहती है, बूढ़ा होता हूं तो भी सोचने की क्षमता बनी रहती है, बच्चा रहता हूं तो भी सोचने की क्षमता बनी रहती है, सोचने की क्षमता हमेशा बनी हुई है और ये अनलिमिटेड है। सोचने की क्षमता का आदमी करता क्या है, समझने की कोशिश करता है। घर में कोई भी नई चीज आती है तो बच्चा स्कूल से आया तो क्या पूछता है, मामा ये क्या है, मामा बोल देती है तुम्हारे काम का नहीं है, पर ये क्या है? इसका मतलब है किसी भी नई चीज को जो मेरे सामने आती है मैं उसको समझना ही चाहता हूँ। तो दोस्तों जब तक, जब से मानव इस सृष्टि में है तब से वो इस सृष्टि को समझने की कोशिश कर ही रहा है, और जो कुछ भी समझने की कोशिश हुई है उसी का नाम तमाम दर्शन और तमाम धर्म, तमाम दर्शन और तमाम धर्म और तमाम ज्ञान की धाराएं केवल इस अर्थ में है कि हमारा जीना सुकून भरा हो जाए, हमारी जिंदगी समस्याओं से मुक्त हो जाए। तो कब तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहेगा, कब तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहेगा, जब तक समस्याएं हैं, जब तक हम किसी चीज को समस्या के रूप में देख रहे हैं। तो चलिए, तो नटचल में मैंने जितनी बात कहने की कोशिश की तो मैंने एक बात तो ये कहने की कोशिश की, एक तो ये कि हम चाहते क्या हैं, दूसरी चीज है कि हो क्या रहा है, ये गैप कहां है। मैंने काफी सारी बातें कह दी है बेस बनाने के लिए, अब मैं थोड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता हूं। तो देखिए आदमी की जिंदगी के दो पार्ट हैं, एक पार्ट वो है जो उसकी फिजिकल नीड है, रोटी कपड़ा मकान है ना ये सब, एक चीज दूसरी है जो उसकी भावनात्मक जरूरत है। तो जैसे मैं कहूं कि गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात, अलग अलग बात, कैसे अलग अलग है, माइक दो इनको फटाफट, हाथ उठाइए माइक। गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास, गाड़ी चलाने को हम लोग स्किल में पकड़ा जाता है, स्वयं को हम लोग उस स्किल से, थोड़ा माइक ऊपर, गाड़ी चलाने का हम लोग स्किल में पकड़े जाते हैं, उसको सीखते हैं, और ये स्वयं के बारे में हम लोग सोच के अनुभव से इसको ये करते हैं। चलिए आपने कुछ कहने की कोशिश की और अब नजदीक आ रहे हैं, तो गाड़ी चलाना कैसे आया, गाड़ी चलाना कैसे आया, गाड़ी को समझने से आया, क्लच प्लेट एक्सीलरेटर है ना, कुछ कुछ चीजें हैं कब किसको दबाना है वो हमने उसका समझ लिया। गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास गाड़ी को समझने से आया, स्वयं के प्रति विश्वास क्या समझने से आएगा, स्वयं को समझने से आएगा, सिंपल लॉजिक। अब गाड़ी का तो मेरे को पता है कि क्लच है ब्रेक है एक्सीलरेटर है, तो मैं गाड़ी तो समझ में आ रही है, लेकिन स्वयं को कहां से पकड़ूं, अब मेरे को स्वयं को समझना है तो मैं कहां से पकड़ूं, कहां से शुरू करूं। देखो मैं ये भी कहना चाहता हूं, लास्ट के में आते आते इसको समराइज करूंगा, यदि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो कितने साल कितने घंटे रोज मेहनत करेंगे कि मंजिल को पा जाएंगे, क्या लगता है, क्या लगता है, यदि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो कितने साल कितने घंटे मेहनत करेंगे कि जिंदगी को पा जाएंगे, ठीक है, कभी नहीं पाएंगे, एड्रेस ही गलत है। हमारे समाज में अल्टीमेट निष्कर्ष क्या है, अल्टीमेट निष्कर्ष यह है सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया, अंतिम निष्कर्ष किसी भी है ना
जबकि क्या भी निष्कर्ष स्वीकार होता है? क्या ये निष्कर्ष हमको स्वीकार होता है? स्वीकार तो नहीं है, हम चाहते तो ऐसा नहीं है, हम जिंदगी को ऐसा देखना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब कोई एड्रेस में गलती है। नेचर अपने आप में पूर्ण है, हम ये मानते हैं। ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, और ये प्रकृति अपने आप में किसी नियम के साथ है कि रैंडम है? नियम के साथ है। प्रकृति अपने आप में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? व्यवस्था है। मानव 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 प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है, मानव प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है, और ये अपने आप में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? जोर से बोलो, है अव्यवस्था है। हमने अपनों से दुख पाया है। इसका मतलब है कहीं एड्रेस की गलती है, उसको समझने की कोशिश कर। तो स्वयं को पकड़ने का एक ही तरीका है, 24/7 मेरे भीतर भाव और विचार की धारा बहती रहती है, और ये भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है। यदि दुनिया के सारे लोगों की सारी प्रॉब्लम को एक ही लाइन में कहें तो क्या कह सकते हैं? देखो, एक ही लाइन बोल सकते हैं कि 24 घंटे सोते समय भी और जागते समय भी मेरे भाव और विचार में उथल पुथल चलती है। मेरे को अकेले बैठे बैठे लगता है कि यार मेरी जिंदगी, मैं बढ़िया सफल आदमी हूं। तब तक एक मेरा दोस्त आ जाता है, और दोस्त से बात करके पता चलता है कि उसका टर्नओवर ज्यादा हो गया है। अब क्या लगने लगा? मैं 2,00,000 रुपए महीने कमाता हूं, पर मेरा दोस्त 10 कमा रहा है, अब मेरा क्या होगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई क्षण में मुझको लगता है कि मैं सफल आदमी हूं, अगले ही क्षण लगने लगता है कि मैं कोई काम का नहीं हूं। कोई क्षण मुझको लगता है कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और कोई क्षण में लगता है तुम मरी जाते तो अच्छा होता, उसी आदमी के लिए आधा घंटे बाद। तो इसका कभी कभी मुझको लगता है कि मैं बहुत सोच के कुछ अच्छा लग रहा है, और अक्सर मैं कहता हूं कि देखो, अगले 5 साल में गूगल एक चिप बना रहा है जो आपके ब्रेन पे, जो अपने ब्रेन में लगाने से 2 गज दूरी के अंदर जितने लोग रहेंगे वो क्या सोच रहे हैं वो सुनाई देता रहेगा। कैसा होगा? तो 5 साल के बाद की दुनिया कैसी होगी? है 5 साल के बाद की दुनिया कैसी होगी? 2 गज दूरी, और पति पत्नी कम से कम एक तो पक्का है, फिर साथ में तो नहीं सोए, क्योंकि जो अंदर चल रहा है वो सुन रहा है, तो 2 गज दूर रहना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो प्रकृति की सेटिंग कितनी अच्छी है कि हम जो भी सोचते हैं बाजू वाले को पता नहीं चलता है। आपको पता है कि पागल और सामान्य आदमी में क्या फर्क है? बस एक दिन घर में अकेले में जब कोई नहीं हो तो मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर दें, और जो भी अंदर आते जा रहा है उसको बोलते जाए, और फिर उसको खुद ही सुन के देखे। तो जितना अंदर चलता है और जिस तरह का मटेरियल चलता है, तो इसका मतलब है कि मेरे भीतर बहुत सारा ऐसा विचार और ऐसा भाव चलता है जो मेरे लिए दुखदाई है। मैं दुखी होना चाहता हूं कि नहीं होना चाहता? नहीं होना चाहता, फिर भी मैं बार बार ऐसा सोचता हूं कि जिससे मैं दुख पाता हूं, और मेरे चाहने के बावजूद भी मुझसे नियंत्रित नहीं होता है, बार बार वही विचार आता है, वही भाव आता है। तो इसका मतलब है मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूं, लेकिन ये भाव और विचार चलाने का मेरे को ज्ञान नहीं है, या मेरे को इसकी समझ, मेरे भाव और विचार पे मेरा कमांड नहीं है। मैं एक सॉफ्टवेयर अच्छा बना सकता हूं, मैं ऑपरेशन अच्छा कर सकता हूं, मैं बिल्डिंग अच्छी बना सकता हूं, है ना, मैं देश चला सकता हूं, पर मेरा विचार मुझसे नहीं चलता है। तो सार बात यह है कि मेरे सुख दुख का कारण मेरे भाव और विचार हैं। कब मैं दुखी होता हूं? कब मैं दुखी होता हूं? जब मेरे भाव में कोई अभाव होता है, जब मेरे विचार में कोई अंतर विरोध होता है, तो ये मेरे दुख का कारण है। और जब मेरा भाव, जब मैं अपने आप में भावपूर्ण होता हूं, भावपूर्ण मतलब
भाव ही सुख दुख है ना। जब मैं अपने आप में भावपूर्ण होता हूँ और मेरे विचारों में सॉल्यूशन होता है, मेरे विचारों में सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है। देखो जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते, हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते, हाथ उठाओ, हाथ उठाते जाओ, ऐसा ऐसा उठाने से शोल्डर जाम नहीं होता। देखो कितना बड़ा गैप है, अभी आप सारे बदल जाओगे। हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है? बदल गए? आपको अपनी प्राइमरी क्लास याद होगी, हम सबको याद रहती है। प्राइमरी क्लास में जब टीचर क्वेश्चन पूछती थी तो जिसको नहीं आता था वो क्या करता था? जब टीचर क्वेश्चन पूछती है तो नहीं आता तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? नजरें चुराते और पीछे वाले की पीठ के पीछे अपनी मुंडी डाल देते ताकि टीचर देख मत ले, क्योंकि आंख से आंख मिल गई तो पूछ देगी बोलो। और कभी कभी हम तो अपने स्कूल टाइम में घड़ी देखते रहते थे, बस 5 मिनट और बची है, 5 मिनट और निकल जाए तो आज का दिन बिना पिटे निकल गया। और घंटे बजने से ऐसी खुशी होती थी, आज बच गए। जिसको आंसर आता है वो क्या करता है? मैडम मैडम मैडम, उसी से नहीं पूछते। इसका मतलब क्या हुआ? टीचर समस्या है कि टीचर अपॉर्चुनिटी है? टीचर अपॉर्चुनिटी है कि प्रॉब्लम है, अवसर है कि समस्या है? है? कोई नहीं, उसको बोलने दो, उसको आप क्यों मना कर रहे? हाँ जी, तो टीचर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है। अब उससे पूछ के देखो जिसको नहीं आता है, तो टीचर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? टीचर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? है? कितने लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम है? कितने लोगों को लगता है अपॉर्चुनिटी है? कितने लोगों को लगता है टोटल कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन वाले ज्यादा, अच्छी बात है कि हाथ उठा रहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही आदमी कंफ्यूज, एक ही आदमी प्रॉब्लम भी रहे अपॉर्चुनिटी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखो यहां से एक बढ़िया बात समझ में आती है मेरे को लगता है, कि दर्शन का मतलब है देखना, देखने का मतलब है दृष्टिकोण। हर आदमी जैसी उसकी नजरें हैं वैसा देखता है। देखो हम सब लोग सुनते भी हैं कि सुंदरता देखने वाले की नजरों में होती है, सुना? एक ही आदमी इसी हॉल में आएगा तो क्या देखेगा? एक आदमी इस हॉल में आएगा, इसका आर्किटेक्चर देख सकता है। जिसको आर्किटेक्चर की समझ है वो उसका आर्किटेक्चर देखेगा, जिसको इंजीनियरिंग की समझ है वो उसका इंजीनियरिंग देखेगा, और कोई जिसकी लड़की शादी के लायक है उसको लगेगा हॉल ठीक है। तो कहते ना इसकी नजरें ठीक नहीं है, तो सारा खेल हमारी नजरों का है। हमारी नजरें सही हो जाएं, हमारी नजरें पूर्ण हो जाएं, हमारा दृष्टिकोण कंप्लीट हो जाए, हमारा दृष्टिकोण अधूरा नहीं हो, हमारा दृष्टिकोण पूरा हो जाए तो हमारा देखना पूरा हो जाए। तो दोस्तों बात कहां चल रही थी? टीचर पे चल रही थी। तो यहां एक बढ़िया बात समझ में आई कि हमारी जिंदगी घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। जन्म होना भी घटना है, बचपन भी एक घटना है, जवानी भी एक घटना है, बुढ़ापा भी एक घटना है, और मृत्यु भी एक घटना है। हम सब की सारी जिंदगी घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। दुख क्या है? समस्या क्या है? दुख और समस्या क्या है? जब मैं उस घटना को हैंडल नहीं कर पाता, उस घटना को फेस नहीं कर पाता, उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, इसका नाम दुख है। और जब मैं उस घटना को हैंडल कर पाता हूं उसका नाम अपॉर्चुनिटी है, है ना? उसका नाम अपॉर्चुनिटी है। यदि क्वेश्चन पेपर सिंपल आ गया तो ये होशियार बच्चों के लिए अवसर है कि ये कमजोर बच्चे, मतलब
क्वेश्चन पेपर यदि टफ आया तो जिसने सबसे अच्छी मेहनत की है ये उसको अपने आप को प्रूव करने का अवसर है। क्वेश्चन पेपर सिंपल आ गया तो जिसने बहुत मेहनत की है उसको प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं, क्योंकि उसको तो सभी हैंडल कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सबकी जिंदगी घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है, तो जिंदगी हर क्षण एक एग्जाम है, हर व्यक्ति उसे क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करता है ये उसकी कितनी ऊंचाइयों कितनी ऊंची उड़ान वो भर सकता है। जिंदगी का हर क्षण एक क्वेश्चन पेपर है, उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ तो उसके बड़े लेवल का क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसको सॉल्व नहीं कर पाता हूँ तो वापस उसी क्लास में रहता हूँ। क्या निकला, क्या निकला? इसका मतलब टीचर की अपॉर्चुनिटी है, है अलग अलग। इसका मतलब टीचर ना प्रॉब्लम है ना अपॉर्चुनिटी है, टीचर का क्वेश्चन पूछना भी एक घटना है। बात पहुंची? टीचर का क्वेश्चन पूछना भी एक घटना है तो टीचर भी एक घटना है। जिनके पास आंसर है, जिनके पास आंसर है उसके लिए वो घटना, बोलते जाओ, अपॉर्चुनिटी है, और जिनके पास आंसर नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम किधर, प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी कहाँ है? मेरे पास, मेरे पास। तो प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, संसार अनवरत घटनाओं का रंगमंच है। तो टीचर क्या है, टीचर क्या है, जोर से बोलो, और सास क्या है, बोले सास दुर्घटना है, बहू, तो अब पता चला सब कुछ घटना है, आपका पति भी एक घटना है। ये संसार अपने आप में घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। केवल प्रॉब्लम इतनी है कि मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन जिस तरह से आज हम, मैं एक माइक यूज करता हूं उसमें कोई भी वायर नहीं है लेकिन बढ़िया आवाज आपको पहुंचती है। हमने जड़ संसार को समझा है तो हम चांद पे लैंड कर गए, मंगल पे लैंड कर गए, एक दूसरे के दिलों में लैंड नहीं कर पा रहे। और खुद के दिल में लैंड कर जाए तो दिल का एड्रेस पता चल जाए तो दूसरे के भी लैंड कर देंगे, और नहीं समझे तो दिल तो पागल है, आवारा है बेचारा, अपना काम जिंदगी भर सिंसियरली किया और सबसे ज्यादा गाली खाया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाव और विचार मेरे सुख दुख का कारण है। ये जिंदगी घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। जिस तरह से जड़ संसार को मैं क्लासरूम में ला सका और जड़ संसार के बारे मेरी क्लैरिटी बन गई, उस मामले में हमारा कॉन्फिडेंस आ गया, तो अभी हमको साधन के साथ जीने का कॉन्फिडेंस आया कि संबंध में जीने का कॉन्फिडेंस आया? साधन के साथ जीने का कॉन्फिडेंस आ गया, मशीन के साथ जीने का कॉन्फिडेंस आ गया, मानव के साथ। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं, मानव के साथ जीने का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि घटा है? घटा है। इसलिए हम लिव इन तक पहुंचे, है ना? लिव इन तक पहुंचने का इतना ही मतलब है कि जिंदगी भर का कमिटमेंट नहीं दिया जा सकता, इसमें खतरा ही खतरा है, है ना? तो जब तक ठीक लगेगा साथ रहेंगे, फिर आगे की सोचेंगे। तो इन तमाम बातों में तो एक बात निकल के आ गई कि एक आदमी की व्यक्तिगत समस्या से लेके उसकी पारिवारिक समस्या क्या है। पारिवारिक समस्या भी यही है कि उधर घटना दुर्घटना हो गई है। एजुकेशन की समस्या भी इतनी है कि उसमें भाव और विचार को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। वही राजनीति की समस्या है, वही शिक्षा की समस्या है, वही समाज की समस्या है, वही फैक्ट्री की समस्या है, क्योंकि सब जगह आदमी ही समस्या है। तो बड़ी खुशी मिलती है इस बात से कि दुनिया भर के बहुत सारे काम नहीं करने हैं। क्या काम करना है? व्यक्तिगत जिंदगी से लेके, पारिवारिक जिंदगी से लेके, शिक्षा, समाज, राजनीति, ये देश, ये विश्व, ये पूरा विश्व तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाए, उसके लिए एक ही काम करना है कि जिस तरह से जड़ संसार के बारे में हमारा भाव और विचार में निश्चितता आ गई है, उसी तरह से मानव के बारे और अपने बारे भी हमारे भाव और विचार में निश्चितता आ जाए और इसको हम क्लासरूम में ला सकें।
तो यहाँ तक की हमारी कहानी इतनी हो गई कि हमको सेंटर पता चल गया कि चीज़ें कहाँ से हैंडल करनी है और कहाँ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, ये हमारी क्लैरिटी में आ गया। अब अगला पॉइंट हमारा ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यार ये फिर भाव और विचार है क्या? भाव क्या है, विचार क्या है? चलो बोलो, भाव और विचार में क्या अंतर है? कौन बोलेगा? भाव और विचार में क्या अंतर है और क्या कनेक्शन है? दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज है? माइक ले लीजिए, जिनको बोलना है माइक लीजिए और खड़े होके माइक मांगिए, हाथ उठा के। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, पहले आप बोलिए। थॉट्स एंड फीलिंग्स, फीलिंग्स इज मोर, मतलब मेरे हिसाब से इट्स लाइक जो अंदर से आ रहा है। और ये अंदर से क्या होता है? अंदर से किडनी से आता है, लीवर से आता है, खोपड़ी में आता है, दिल से आता है, दिल से आता है। ये बहुत मुश्किल है। देखो एक दो लाइनें बोलता हूँ, थोड़ा आप डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करना। दिल में भाव पैदा होता है कि भाव से दिल प्रभावित होता है? जब भी हमारे को कोई फीलिंग, एंग्जाइटी या कोई खुशी या कोई गम आता है, तो बेसिकली हमारी सांस तेज होती है, और क्योंकि सांस ब्लड से सप्लाई हो रही है, उसमें ब्लड के साथ हार्ट के साथ कनेक्शन है, तो हार्ट बीट हमारा बढ़ जाता है। तो दिल में भाव नहीं होता है, भाव से दिल प्रभावित होता है। है ना? भाव और दिल समझ में नहीं आया और किसी को दे बैठे बहुत लफड़ा। हाँ जी, भाव और विचार में क्या अंतर है? बोलो। हाँ जी बोलिए बोलिए आप। सेम गया। हाँ जी हेलो। अच्छा, सिचुएशन में विचार नहीं आता है, भाव ही आता है बस। गई भैंस पानी में। हेलो। हाँ। भाव स्वभाव से होता है। आप किधर हो? हेलो सर, हाथ उठाइए। हाँ। भाव स्वभाव से उत्पन्न होता है स्वयं से, और विचार आते जाते रहते हैं, बाहरी आवरण है, विचारों का आना जाना, और भाव स्वभाव यानी आंतरिक प्रक्रिया है। भाव से विचार नहीं आता है? भाव से विचार आते जाते रहते हैं, भाव लेकिन क्या है कि प्रकृति की प्रतिक्रिया है अपनी। भाव प्रकृति की और विचार प्रकृति का नहीं है? नहीं, प्रकृति यानी अपने अंदर की जो स्वभाव है, विचार अपने 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 अंदर के लिए विचार नहीं आता है। स्वभाव, स्व यानी खुद का भाव, और विचार तो स्व विचार नहीं होता है? होता है। गई भैंस पानी में। हाँ जी माइक माइक। हेलो। हाँ जी। अब दो तीन अंतर हैं सर। आप कहाँ हैं? यहाँ हूँ सर। यहाँ नहीं होता है, लोकेशन बताइए। आगे आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी हाँ, आप सुने मेरी। हाँ, बात जी जी बोलिए। दो तीन अंतर हैं सर, ऐसा नहीं है कि एक ही अंतर है। हाँ, पहली बात तो ये है कि जो थॉट होता है ना, थॉट ड्वेल्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, राइट, विच इज, उसको अगर ऐसा बोले हम लोग, इट ड्वेल्स इन द रिलिम ऑफ नोन, वेयर एज इमोशन ड्वेल्स इन द रिलिम ऑफ अननोन। अब इसको दूसरे तरीके से ऐसा समझें कि थॉट जो है वो लॉजिकल है, इट इज़ अ यूनिवर्सल। न्यूटन के तीनों लॉ, अमेरिका में बोले, जापान में बोले, इंडिया में न्यूटन के तीनों लॉ एक ही होंगे, लेकिन इमोशन जो है इट इज हाईली सब्जेक्टिव, मिस्टीरियस, यू कैनॉट एक्सप्लेन इट विद एनी अदर एक्सटर्नल फिनोमेनन। इलॉजिकल थॉट होता है कि जी नहीं जी होता है? जिसको हम लोग इलॉजिकल थॉट भी होता है। मेरी बात सुने ना सर पहले। हाँ। जो इमोशन होता है वो पर्सनल लॉजिक कहते हैं हम लोग, एज अ पोइट्री में पर्सनल लॉजिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए लव्स बी, सी मे नॉट लव बी, डी मे नॉट लव बी, बट ए लव्स बी, इट इज हिज पर्सनल लॉजिक, तो उसको हम इमोशन बोल सकते हैं। और जो यूनिवर्सल होता है वो लॉजिक होता है, पर्सनल जो है सब्जेक्टिव इज अ इमोशन, ऑब्जेक्टिव इज अ थॉट। हाँ जी, पूरी सभा ने सुना, कितने लोगों को समझ में आ गया? सर आपने कुछ कहा, वो आपकी फीलिंग है नो डाउट, लेकिन जब उसको जीने जाते हैं, कुछ बातें बोलने में ऐसा लगता है कि कुछ ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन जब जीने जाते हैं तो कहीं गैप दिखाई देता है, कुछ गैप उसमें। हाँ जी, और कोई बोलना चाहता है? जीवन तो लॉजिक होता ही नहीं है। नहीं नहीं, जीवन विचार भी इलॉजिकल हो सकता है, और विचार भी अंतर्नल, जो आपने स्वभाव कहा, विचार भी स्व के, स्व विचार, स्व के बारे भी विचार हो सकता है, बाहर के बारे भी विचार हो सकता है। तो जितनी बातें हम भाव के लिए बोल रहे हैं, उतनी बातें विचार के लिए भी कही जा सकती।
हाँ जी, माइक किसके पास है, कौन बोल रहा है? हाँ जी, थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स, मतलब थॉट्स क्रिएट फीलिंग और फीलिंग क्रिएट थॉट्स, थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स, भाव से विचार जो है माइंड से आता है और फीलिंग्स जो है वो एक सोल या अपने हार्ट, भाव से विचार आता है कि नहीं? फीलिंग से विचार नहीं, हो गया काम? देखो मैं एक लाइन बोलता हूँ आपका काम हो जाता है। देखो ये सोचने की बात है, मैं आपके सामने बोलूंगा कि ये क्या है, पेन, इसमें सारे लोग एक हैं कि अलग अलग हैं? मैं बोलता हूँ भाव और विचार, इसमें सारे लोग एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है, इसका मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, समझ में नहीं आया, एब्स्ट्रैक्ट कैसे पतली गली निकाला, ये नहीं बोले समझ में नहीं आया, एब्स्ट्रैक्ट मतलब, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो समझ में नहीं आ रहा है। देखो जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं वो कितना ऑब्जेक्टिव है, आप सारा पैसा कमा के, पैसा क्या है, मटेरियलिस्टिक है, टेंजिबल है, भाव इनटेंजिबल है, आप सारा पैसा कमा के कहाँ खर्च करते हो? आपके लिए भाव ज्यादा बड़ी सच्चाई है कि पैसा ज्यादा बड़ी सच्चाई है? फाइनली भाव ज्यादा बड़ी सच्चाई है, क्योंकि सारा पैसा भाव के लिए, जिसको प्यार करते हो, फैमिली फाइनेंशियली नॉन वायबल यूनिट, फिर भी आप वहीं खर्च करते हो। जी सर, हमारा एक दोस्त था है ना, 200 करोड़ की पार्टी, एक ही लड़का, और उसने, उसको किसी से प्यार हो गया, और जिससे प्यार हुआ वो किसी दूसरे धर्म का था लड़की, उसने तय किया कि कुछ भी हो जाए ये मेरे घर में बहू बन के नहीं आ सकती, पूरी ताकत लगा दी। अब उसकी ताकत से क्या होना था, वो बहू बन के आ गई, जिस दिन बहू बनी उस दिन से सारी संपत्ति की मालकिन वो हो गई। सिंपल है ना? तो हमारी जिंदगी के गुणाभाग कैसे चलते हैं, हम कैसे सोचते हैं, और जिंदगी कैसे घट जाती है, बिल्कुल अलग तरह से घट जाती है। तो मैं कहना चाह रहा था, क्या बात हो रही थी, भाव विचार, भाव विचार। तो भाव विचार के बारे यदि चर्चा करेंगे तो हम सारे लोग कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव देने वाले हैं, कुछ अलग अलग अपनी बात कहने वाले हैं, और जो आपके भी जीने में नहीं आता है वो आपको पता है। इसका मतलब है पेन के बारे में हम एक क्यों हैं? मैं इसी पेन को किसी आदिवासी क्षेत्र में जाके दिखाऊंगा जिन्होंने आज तक कभी पेन यूज ना किया हो, वो उस पेन को देख के क्या बोलेंगे, पेन बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। इस पेन के बारे में हमारी क्लैरिटी क्यों है, क्योंकि हमने यूज किया है, भाव और विचार के साथ में हमने नहीं जिया है, भाव और विचार को हमने झेला है, भाव और विचार से हमने कोई भौतिक काम किया है, लेकिन भाव और विचार की हमारी समझ नहीं है, इसलिए हमने अपनों से दुख पाया है, अपने आप से दुख पाया है। अंतर क्या है वो तो बताऊंगा, पहले जगह बना रहा हूं क्या, पहले ये तो बताना पड़ेगा कि हाँ देखो ये गैप है। हम कितने भी एजुकेशन पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, IIT, IIM, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, भाव और विचार समझ में नहीं आ रहा, और जिंदगी भाव और विचार है, इसलिए कुछ भी कर लें, दूसरे को बताने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, जब अकेले में बैठता हूं तो अपने आप को उतना ही खाली पाता हूं, ये गैप हमको दिखाई देता है। हाँ जी, मैं आगे चलूं कि कुछ बोल रहे हैं, आगे चलूं, थोड़ा सा टाइम भी लिमिटेड है। तो देखिए, अब मैं आपको, आपके सामने परिभाषा रखता हूं और आपको कितनी ये ऑब्जेक्टिव लगेगी। पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए भाव का मतलब है भव की स्वीकृति, भव की स्वीकृति भाव है, और भाव का विश्लेषण विचार है। सिंपल, अब इसको चेंज करके देखिए, सबके लिए एक है कि नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाव क्या है, भाव की स्वीकृति, भाव क्या है, भाव क्या है, भाव मीन्स बोलते हैं ना आयुष्मान भाव, भाव मीन्स होना, होना है, तो जो कुछ भी है उसका नाम भाव है। क्या क्या है, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मानव, प्लेनेट, सूरज, धरती, चांद, सितारे, सब कुछ है, जो कुछ भी है उसका नाम भाव है, उसको भाव बोलते हैं। अब भाव क्या है, भाव की स्वीकृति, भाव मीन्स एग्जिस्टेंस, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, भाव मीन्स एग्जिस्टेंस, जो कुछ भी है, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, हवा भी भाव है, वो भी है, पानी भी है। अब देखिए,
भाव क्या है? भाव की स्वीकृति। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी है उसको आपने कैसा स्वीकारा है, इसका नाम भाव है। एग्जाम्पल देता हूं, मेरे को बढ़िया एग्जाम्पल जो लगता है वही देता हूं। एक हॉस्पिटल में, एक रात में बड़े हॉस्पिटल में 50 बच्चे पैदा हो रहे होते ही हैं, 50 माएं एक हॉल में लेटी हैं, नर्स बच्चा लेके आ रही है, 50 को पता है कि हम में से ही किसी का है, तो अभी वो बच्चा भाव है कि नहीं है? है। अभी सभी माओं का उसके प्रति भाव कैसा है? अभी सभी भाव, सभी माओं का उसके प्रति भाव कैसा है? बच्चा है, बच्चा है। अब अगले ही क्षण नर्स ने वो बच्चा किसी एक की गोदी में टिका दिया, मैडम ये आपका है। उसी क्षण से उस माँ के लिए, उस बच्चे के प्रति भाव जिंदगी भर के लिए बदल गया। तो क्या फर्क पड़ गया इतनी देर में? भाव की स्वीकार्यता। तो भाव की स्वीकार्यता जितनी गहरी है उतना गहरा भाव है, भाव की स्वीकार्यता जितना सर्फेशियल है उतना सर्फेशियल भाव है। पति अपने मित्र को बिना बुलाए खाने पे ले आया तो घर में कैसा होता है? और बुरा ना मानना, पत्नी के मायके वाले आ गए। स्वीकृति की बात है ना, केवल एक एग्जांपल लिया स्वीकृति के लिए। जिसके प्रति हमारी स्वीकृति है वो रात के 2 बजे भी आ जाए तो स्वागत है, और जिसके लिए हमारी स्वीकृति नहीं है, भाव नहीं है, स्वीकृति नहीं है मतलब भाव नहीं है, वो उसके साथ 5 मिनट भी बात करना पड़ता है तो हमको थकान होती। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जो है, जो एग्जिस्ट करता है ना। अब आपका मकान, आपका मकान के साथ आपको अलग फीलिंग आती है, आपकी गाड़ी आपको अलग ऐसा लगता है कि आपसे बात करती है। मैं ऐसे पतियों से मिलता हूं जिनकी पत्नियां रो के बताती हैं कि हमारे पति का हाल ऐसा है कि हमको खरोंच लग जाए चलेगा, गाड़ी को खरोंच नहीं लगना चाहिए। ऐसे भी पति पाए जाते, तो उनका भाव कैसा होगा? तो इससे ये पता चलता है, और हमारा भाव एक जैसा रहता है कि कम ज्यादा होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, यही फ्लक्चुएशन हमको परेशान करती है ना। मैंने किसी अपने से ज्यादा पैसे वाले को फोन लगाया, अपने से ज्यादा पद वाले को फोन लगाया और फोन नहीं उठा तो क्या क्या विचार आता है? क्या क्या विचार आता है? तुरंत नेगेटिव विचार आना शुरू होता है, इसको क्या जरूरत है, क्यों उठाएगा, मेरे भी कभी दिन आएंगे, तब तक फोन आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाव और विचार की दुनिया मेरे अनुसार चले या ये बाहर से नियंत्रित हो? मेरा भाव और विचार कैसा हो? मेरा भाव और विचार, मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदाई हो, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई हो, ये मेरे अनुसार चले कि दूसरा इसको नियंत्रित करे? बोल नहीं रहे हो, दूसरा मेरे अनुसार चले। मेरी गाड़ी कैसे चलती है? मेरे अनुसार चलती है ना, मेरी गाड़ी मेरे अनुसार चलती है, मेरा खाना पीना भी कुछ मेरे अनुसार ही चलता है, भौतिक चीजें भी मेरे अनुसार ही चल रही हैं, जैसा चाहा वैसा घर बना लिया है, ये भाव और विचार क्यों नहीं चल रहे हैं? इसका मतलब है जिसकी समझ है वो मेरे अनुसार चलता है, और जो मेरे अनुसार नहीं चलता है इसका मतलब साथ साथ नहीं चल रहे, उसकी समझ नहीं है। जिसकी समझ है वो मेरे अनुसार चलता है, जिसकी समझ नहीं है वो मेरे अनुसार नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ एक बढ़िया सूत्र आता है, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है।
कितना बढ़िया, स्वयं के प्रति विश्वास यही है कि मैं किसी की भी नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होता, इसलिए क्षमा की बहुत सुंदर परिभाषा है। क्षमा, क्षमा की परिभाषा क्या है? अप्रभावित रहना ही क्षमा है। प्रभावित हुए तो कोई ना कोई निपटारा करेंगे, मुंह से बोले ना बोले, दवा ले जाएं, 10 साल बाद बदला लें, 10 साल कभी बैठे बैठे सुना दें, उसको भी ना सुनाए तो अपने अंदर अंदर सुनाते रहें, देख लूंगा कभी तो बदलेगा, कभी तो मेरे दिन आएंगे, है ना। लेकिन प्रभावित से वो ना बुलेट प्रूफ जैकेट, गोली लगी और झाड़ दी, अपने को छुआ ही नहीं। तो दूसरों की नेगेटिविटी, दूसरों का मूल्यांकन, दूसरों का हमारे बारे असेसमेंट, हम क्या बोलते हैं, जज नहीं करना है। ऐसा होता नहीं है, हर आदमी बाई बर्थ जज, हर आदमी बाई बर्थ जज है, वो जज करेगा, लेकिन उसको सही जज करना आ जाए एक बात, या मैं दूसरे के जज करने से मैं प्रभावित नहीं होता। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं दूसरे के जज करने से मैं प्रभावित नहीं होता हूं, है ना, क्योंकि मेरे अंदर स्वयं के प्रति विश्वास है, स्वयं के बारे समझ है, सेल्फ असेसमेंट मेरे पास है। जो सेल्फ, जो स्व प्रभावित नहीं है वो पर प्रभावित रहेगा ही, जो पर प्रभावित है इसका मतलब वो स्व प्रभावित नहीं है। तो स्व प्रभावित हो जाना, स्व मूल्यांकन कर पाना, स्वयं को समझ पाना, सेल्फ असेसमेंट कर पाना और अपने सुकून के साथ रहना, यही स्टेट ऑफ माइंड है, यही स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है, इसी का नाम वो सुख सागर है। इसको पाया जा सकता, जिस तरह से मैं बाई एजुकेशन इंजीनियरिंग पाता हूँ, मेडिकल साइंस पाता हूँ, उसमें एक अधिकार पा लेता हूँ, फिर कुछ प्रैक्टिस करता हूँ, उसी तरह से जैसे मैंने कुछ सूत्र आपके, तो जिस तरह से ग्रेविटेशन का लॉ काम करता है, उस तरह से आदमी की खुशी का भी कोई नियम काम करता है। इसलिए खुशी की बहुत सुंदर परिभाषा है, दुख की बहुत सुंदर परिभाषा है, नियम का विरोध ही दुख है। जब भी जिंदगी में दुख आया उसका एक ही मतलब है कि मैंने किसी नेचर के नियम को वायलेट किया है, मैं किसी नियम को नहीं समझ रहा हूं। किसी को लग जाए कि खाना खाने से प्यास बुझेगी तो वो क्या करेगा, जब भी प्यास लगेगी तो क्या करेगा, खाना खाएगा, क्योंकि खाना खाने से प्यास बुझती है। खाना खाने से प्यास बुझेगी कि और लगेगी, और लगेगी, फिर क्या करेगा, और खाना खाएगा, फिर प्यास बुझेगी कि और लगेगी, और लगेगी, फिर क्या करेगा, और खाना खाएगा, और एक दिन मर जाएगा, और मरते मरते अंतिम ज्ञान देके जाएगा, मैंने प्यास बुझाने की बहुत कोशिश की और मैंने सारे प्रयास किए और किसी की प्यास नहीं बुझेगी, और सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। अरे पानी पिया होता तो बुझ गई होती। तो इसका मतलब है मेरे को सुखी होने के नियम का पता नहीं है। यदि मेरे को ग्रेविटेशन के नियम का पता चल गया तो मैं चांद पे लैंड कर गया, खुशी होने के नियम का पता चल जाएगा तो अपनों के दिल में लैंड कर जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भाव और विचार पे मेरी क्लैरिटी आ गई, तो अब यह समझ में आया फिर यह अभी मेरा भाव इतना क्यों बदलता है। भाव मतलब इमोशन, विचार मतलब थॉट। हाँ, तो अभी हमारी स्वीकृति, एक भी रिश्ता आपके पास ऐसा नहीं है, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपका भाव सदा एक जैसा बना रहता हो। झांक के देख लीजिए, एक भी रिश्ता आपके पास है, अपने खुद के लिए भी नहीं है, दूसरों के लिए तो छोड़ दीजिए। मेरे खुद के लिए भी कभी मेरे को लगता है कि मैं एकदम बहुत बढ़िया स्थिति में हूं, कभी लगता है कि बिल्कुल मामला खराब है, है ना। इसका मतलब है कि मेरी सारी परेशानी का कारण इतना ही है कि मेरे भीतर जो हिलना डुलना होते रहता है, हिलना डुलना मेरी परेशानी का कारण है। और कुछ चीजें आपसे शेयर कर देता हूं, मेरे को लगता है कि आपको बहुत सारी बातें जो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, पहले से भी हमारे ध्यान में कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन वो सारे जोड़ के हम उसको जिंदगी बना लें और चलने के लायक बना लें। वो आपको याद है, ये सूरत में एक व्यक्ति ने वो दिवाली पे कारवार बांटी थी, है ना, सावजी भाई ढोलकिया। तो सावजी भाई ढोलकिया के यहां मैंने 2012 में एक शिविर किया था, तो उनके 700 लोगों के साथ बात चल रही थी और ऐसी कोई बात आई तो सावजी भाई बैठे ही थे, तो मैंने उनकी तरफ आंख उठा के बोला, मैं बोलो, तो सावजी भाई बोले माइक दो।
अपने 700 लोगों के सामने बोलते हैं, मेरे से बड़ा सेठ, मेरे 12000 करोड़ का आदमी कहता है कि मेरे से सामने बड़ा सेठ बैठता है तो मेरा भी कॉन्फिडेंस हिलता है। तो ना ये 12000 करोड़ से थमने वाला है, ना ये राष्ट्रपति होने से थमने वाला है, ना ये यूएन का सेक्रेटरी होने से थमने वाला है। कुछ भी हो जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं आपका अहंकार बढ़ सकता है, कहीं आपका इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स झलक सकता है, लेकिन अपने भीतर वो भाव और विचार की स्टेबिलिटी मैं हमेशा के लिए पा जाऊं, ये मेरी जरूरत है। और जो प्रयास हमने अभी तक किए हैं वो उस दिशा में जाते नहीं, उसकी वो दवाई ही नहीं है, उसकी दवाई कुछ और है। तो यहां से हमको समझ में आता है कि नहीं, वो जो गैप है उसको पकड़ने की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा था कि भाव और विचार मेरा स्थिर हो जाए, मेरा भाव और विचार गड़बड़ क्यों होता है उसको समझते हैं। देखिए, अभी यदि हमारी दुनिया को देखें तो हमारी दुनिया एक है जिसमें हमको सुख की तलाश है। और कितना सुख चाहते हैं? संडे टू संडे हमेशा। तो सुख, हर आदमी सुखी होना चाहता है और सुख की निरंतरता चाहता है, ऐसी उसकी चाहत है। कर क्या रहा है, कर क्या सकता है? मेरे पास सुखी होने का जुगाड़ इतना है कि मेरे पास 5 सेंसेस हैं, मेरे पास इंद्रियां हैं। कभी मैं कुछ सुन के खुश होता हूं, कभी कोई चीज छूने से अच्छा लगता है, कभी कोई चीज देखने से अच्छा लगता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, कभी कोई चीज का स्मेल अच्छा लगता है। 5 सेंसेस हैं हमारे पास, और 5 सेंसेस को हम इसी को चिल करना बोलते ना, चिल करते। अब इसमें कितना मिलेगा? इसकी इंद्रियों से, सेंसेस से जब भी हम खुशी पाने जाते हैं उसका लिमिटेशन क्या है बोलो? है मोमेंटरी है। और चाहिए और फ्लेक्सिबल है, और चाहत खत्म नहीं होती है, शरीर खत्म हो जाता। और जो चीज कल बहुत अच्छी लगती थी आज वो अच्छी ना लगे, ऐसा हो ही सकता है। हमेशा दूसरे पे निर्भरता है, चाहे मेरा अपना ही शरीर क्यों ना हो। मैं शरीर को भोगना चाहता हूं और शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैं रसगुल्ले खाना चाहता हूं, इधर डायबिटिक हो गया है। तो हमेशा किसी दूसरे, मेरा शरीर भी मुझसे अलग है, तो कभी मेरे ही अपने शरीर पे निर्भरता है, कभी दूसरे के शरीर पे निर्भरता है, कभी दूसरे व्यक्ति के निर्भर। और मिलेगा भी तो मोमेंट्री मिलेगा, और चाहत निरंतर की बनी ही रहती है। तो ये कैसा, स्थाई है कि परिवर्तनशील है? परिवर्तनशील। तो पता चला कि हमारी इंद्रियों से कितना भी सुख पाए, फाइनली उसका नेचर ही परिवर्तनशील है, मोमेंट्री है। एक और इसके साथ बड़ी चीज है जो मेरे को लगता है कि हमारे ऑब्जर्वेशन में आएगी, हमारे ध्यान में आएगी, तो हमको मदद मिलेगी। यदि अपने ही बारे आपको यह स्वीकार होता है कि मैं इंद्रियों के मामले में कमजोर हूं, जैसे हर बार मुझसे ओवर ईटिंग होती है, ओवर ईटिंग करके मेरे को खराब लगता है, फिर मैं तय करता हूं कि अगली बार बिल्कुल नहीं करूंगा, और फिर मेरे पसंद की चीज फिर सामने आ जाती है, और फिर भैंस गई पानी में, फिर मैं ओवर ईटिंग करता हूं और फिर तय करता हूं नहीं, आज के बाद मैं फिर से ठीक करूंगा, और फिर अगली बार फिर वही हुआ। बार बार यही होने से कैसा लगता है? कोई दिन क्या लगने लगता है, यार ये काम मेरे से नहीं होगा। तो जब भी एक व्यक्ति को ये लगता है कि इंद्रियों के मामले में मेरा कंट्रोल नहीं है, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि घटता है? इससे अपने बारे में विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। जब भी मुझको लगता है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरा पति इंद्रियों के मामले में कमजोर है, उसके प्रति जीने का विश्वास बढ़ता है कि घटता है? जोर से बोलो, घटता है। तो एक बात समझ में आ गया कि इंद्रियों को लेके यदि हमारा कंट्रोल कम होता है, तो इससे खुद के प्रति जो कॉन्फिडेंस लेवल है और रिलेशन के प्रति जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये घटता है। तो इंद्रियों की हैप्पीनेस जीने के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इंद्रियों का हैप्पीनेस खुश होने की बजाय एंग्जाइटी की तरफ ज्यादा जाता है।
एक लेवल तक वो अच्छा लगता है, एक लेवल के बाद प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। कितने लोगों तक ये बात पहुंची, पहुंच रही है ना? तो ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। कुछ कहना चाहते हैं? माइक 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 माइक। तो देखो, जब तक माइक इनके पास आता है, आप माइक दीजिए। आदमी की सारी जिंदगी निष्कर्ष लेने की, कंक्लूजन लेने की ताकत है ना? एक बहुत बढ़िया बात कहना चाहता हूं, फिर आपकी बात सुनेंगे। आदमी के पास वो ताकत है, हर आदमी के पास वो ताकत है कि वो हजारों साल की परंपरा के बाहर जाके निष्कर्ष एक घंटे में ले, जो हजारों साल परंपरा में जिया उसको आदमी आधा घंटे में जी के उससे आगे जा सकता है। तो ये आदमी की निष्कर्ष लेने की क्षमता है, कंक्लूड करने की क्षमता है, यही आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। पर अगर इंद्रियों के सुख लेने से कोई नुकसान नहीं हो रहा, अगर सेहत पे या कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो लेना ही चाहिए। बिल्कुल, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंद्रियों का सुख लेना गलत है या सेंसरी हैप्पीनेस कोई गलत चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। इंद्रियों में सुख ना होता तो क्या होता? ये हॉल खाली होता। ठीक, तो इंद्रियों में सुख का मतलब है कि इंद्रियों में सुख का बेसिक पर्पज है कि नए शरीर पैदा होते रहें और पुराने शरीर को हम बनाए रखें। यदि भूख नहीं लगेगी और खाने में स्वाद नहीं लगेगा तो कौन खाएगा? खाएगा ही नहीं आदमी। इसका मतलब है चोट नहीं लगेगी, दर्द नहीं होगा तो शरीर बचा ही नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि दुनिया की आबादी भी नहीं बढ़ेगी। आबादी भी नहीं बढ़ेगी, काम करने के लिए लोग भी नहीं बनेंगे और आगे जिंदगी को समझने के लिए भी लोग कहां से आएंगे? आदमी होगा ही नहीं तब कहां सोचेगा। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना, लेकिन इसी से काम चल जाएगा ऐसा भी नहीं कहा जा रहा। तो ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, दो चीजें हैं, अच्छा लगना और अच्छा होना। दोनों में क्या फर्क है? अच्छा होना, दोनों में क्या फर्क है? अच्छा लगना, अच्छा होना, क्या फर्क है दोनों में? हाँ, जैसे मैं कहूं कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, आप तो इतने में ही खुश हो गए, अगला सेंटेंस सुना ही नहीं, पर आप अच्छे हो नहीं। क्या मतलब? अच्छी लग रही हो मतलब आपकी सकल सूरत, आपकी ड्रेसिंग, ये अच्छी लग रही हो नहीं मतलब, हो नहीं मतलब आपका नेचर, आपका आचरण, आपका बिहेवियर। तो अच्छे लगना और अच्छे होना, तो इसका मतलब है कि लगना एक अपीयरेंस की बात है, होना बीइंग की बात, होना परमानेंसी की ओर है, लगना मोमेंट्री है। तो ये हमने एक लिमिटेशन देखा। एक हमारी दूसरी जिंदगी की बहुत बड़ी तलाश है जिसको हम कह रहे हैं कि मेरे सम्मान की तलाश, मेरी पहचान की तलाश, मेरी आइडेंटिटी। किसी भी मानव के लिए उसका सम्मान, उसकी पहचान, उसकी सबसे बड़ी जरूरत है ना? इसे क्या सुनते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी क्या बोलता है? बाबूजी दो रोटी इज्जत की चाहिए। इसका मतलब है इज्जत आदमी को बहुत प्यारी है और इज्जत उसकी जरूरत है। जैसे रोटी कपड़ा मकान उसकी जरूरत है, ऐसे इज्जत भी आदमी की जरूरत है। ये हम कैसे पाते हैं? इज्जत हम कैसे पाते हैं? इज्जत हम कैसे पाते हैं? आचरण कहाँ काम आता है। इज्जत हम पाते हैं समाज में, हम कैसे इज्जत पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा फैक्टर है कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा दिखता हूं, मेरी गाड़ी कैसी दिखती है, मेरा मकान कैसा दिखता है। और कैसा दिखे मेरा मकान, कैसा हो जिसको पड़ोसी देख के बेहोश हो जाए, है ना? तो इसका मतलब हुआ मैं कैसा दिखता हूं। शरीर का मतलब है कि मेरा शरीर कैसा है, मेरे पास पैसा कितना है, मेरा पद कैसा है। समाज में हम सम्मान की बात करते हैं, है ना, जो हमको नॉर्मली, कितने प्रतिशत लोग हैं जो कभी रूप से, कभी धन बल से, कभी धन से, कभी पद से अपने सम्मान की तलाश में रहते हैं? कितने प्रतिशत होगा? ऑलमोस्ट ऑल, गांव शहर। ओहो, आप 1% सभा की मर्यादा है, बचा के रख लें। कोई नहीं, 99 रख लें, 95 रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ, यदि हम मासिस में देखें तो हमारी दौड़ किस बात की है, हमारा करियर क्या चीज है, पैसा कितना मिलेगा, सारी एजुकेशन की इज्जत किस बात की है। बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन और बच्चे एटीएम मशीन बन जाएं, पैकेज पैकेज
पैकेट ज्यादा बड़ा मिल गया तो वो ही उसी को हमने उपलब्धि माना, उसी को हमने जिंदगी की सफलता माना। और पद मिले, कोई पद हो और उसमें पैसा नहीं हो तो पद भी किसी काम का नहीं है। तो अल्टीमेटली पैसे को हमने एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पहचाना है, पद को उपलब्धि के रूप में पहचाना है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब इससे सम्मान पाने चाहते हैं, जब इससे सम्मान पाने जाते हैं तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? अब देखें तो एक इसकी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रूप जैसा हमेशा है वैसा ही रहेगा कि बदलेगा? रूप बदलेगा, आप कुछ भी करो रूप बदलेगा, शरीर बदलेगा, पैसा बदलेगा, कोरोना काल में बहुत लोग ऊपर नीचे हो गए, पद एक दिन नहीं रहेगा, रिटायरमेंट आएगा ही। तो इसका मतलब है ये सारी कैसी चीजें हैं, परिवर्तनशील हैं कि स्थिर हैं? पता चला ये परिवर्तनशील हैं। और सम्मान हम कैसा चाहते हैं, स्थाई हो कि अस्थाई हो? स्थाई हो। हमारी सारी जिंदगी की क्या कोशिश है? हाँ जी, आप कंटेंट दिखा रहे हो ना बोर्ड पे, एलईडी पे, इसको फोकस करना। हम सारी जिंदगी क्या कोशिश कर रहे हैं? सारी जिंदगी की कोशिश कहां चली गई? स्थाई सम्मान को पाने के लिए। हम सम्मान के स्थायित्व को पाना चाहते हैं और जिन चीजों से पाना चाहते हैं वो परिवर्तनशील। कितने लोग सहमत हैं? सारी जिंदगी जो चीजें परिवर्तनशील हैं उनसे, जिसका नेचर ही परिवर्तनशील है, हम उससे स्थायित्व को पाना चाहते हैं, संभव है? नहीं संभव है। यहां से तीन फ्री गिफ्ट मिलता है। एक जिसको बोला भूतकाल की पीड़ा, सारी जिंदगी किसी से अधिक होने का प्रयास, और कोई ना कोई हमसे अधिक रहता ही है। देखो ये समझने की बात है, देखो जो मैंने पहले लाइन बोला, एक लाइन आदमी को हजारों साल की यात्रा करा देती है। आदमी के पास वो ताकत है कि वो सही निष्कर्ष ले ले तो हजारों साल की यात्रा एक मिनट में कर सकता है। जो परंपरा ने हजारों साल में जिया उसको महापुरुष हम किसको बोल रहे हैं? ये महापुरुष वही लोग थे जो समय के आगे चले गए, जो उस समय के जो लोग जी रहे थे उनसे आगे उन्होंने सोचा। जैसे मैं एक सिंपल सी बात आपके सामने कह रहा हूँ, जैसे हमारी वर्तमान जीवन शैली को देखें, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। धन और पद के मामले में ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, डी से बड़ा ई, ई से बड़ा भी कोई है और ए से छोटा भी कोई है। ए बी को सफल मानता है कि नहीं? हाँ जी, साथ साथ चल पा रहे सभी? ए बी को सफल मानता है कि नहीं? बी सी को, सी डी को, डी ई को, ठीक हो गया। और हर आदमी क्या होना चाहता है? सफल होना चाहता है। तो ए 10 साल मेहनत करता है और बी हो जाता है, ठीक हो गया। ए 10 साल मेहनत करता है, बी हो जाता है। अब ए सफल हुआ कि नहीं हुआ? जब ए बी हो गया तो अब ए सफल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, 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 हुआ। जब वो बी बना तो उसका कंपैरिजन सी से हो गया। तो इस पूरी चेन में ए अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? बी अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? सी अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? डी अपने आप को? और इस पूरी चेन में हर व्यक्ति अपने से ज्यादा से कंपेयर करता है और अपने आप को छोटा मानता है। तो सारे लोग कैसे हैं? सफल लोगों की चेन है कि असफल लोगों की चेन है? उस चेन में शामिल होके यदि ए से मैं बी भी हो गया, 10 साल बाद सी भी हो गया, 10 साल बाद डी भी हो गया, फाइनली कहां पहुंचा? फाइनली कहां पहुंचा है? दिल्ली में 95% लोगों से पूछो कि जिंदगी की उपलब्धि क्या हुई, सारी जिंदगी में क्या कमाया, तो कहता है एक फ्लैट, दो फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट। पहले किराए का था, फिर अपना हो गया, फिर और पैसा आया, एक फ्लैट में और इन्वेस्ट कर दिया, फिर एक फ्लैट और आया, तब तक पहले वाले पे किसी ने कब्जा कर दिया, उसका केस चल रहा है, तो फ्लैट में वो फ्लैट हो गया। तो ऐसा हम देखने जाते हैं, है ना। तो जहां खड़े होते हैं, जहां पे खड़े होते हैं,
तो हमको यहाँ पे खड़े होके दूसरा सफल दिखाई देता है, लेकिन जब इस पे सोचना शुरू करते हैं तो पता चलता है, देखो जो किसी से आगे निकलना चाहता है इसका मतलब ही वो पहले से ही हारा हुआ इंसान है। जिंदगी में किसी ने भी आउटस्टैंडिंग काम किया वो किन लोगों ने किया, जो दूसरों से आगे निकलना चाहते थे या वो बस जो करते थे उसको प्यार करते थे। प्यार वो ऊर्जा है जो अनवरत मोटिवेशन है। किसी भी चीज में सफल होने के लिए एक अनवरत मोटिवेशन की जरूरत है ना। हमको अपने बच्चों से प्यार है तो सारे झंझटों के बावजूद जिंदगी भर उनके लिए कुछ सोचते हैं, कभी संबंध ऊपर नीचे भी होते हैं, हम पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं, तमाम झंझट के बावजूद भी, जो कुछ भी कम ज़्यादा होता है उसके बावजूद भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कोई प्यार इतना कोई दूसरा कर दे तो जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। जितना घर में हो जाता है इतनी ऊंची आवाज में कोई दूसरा बात कर दे तो भाई साहब एक शरीर यात्रा तो बात नहीं करेंगे कम से कम। तो इसका मतलब है खुद से प्यार हो जाए। जिस दिन आदमी को खुद से प्यार हो जाता है उस दिन सबको देख के प्यार आता है। जब सबको देख के प्यार आ जाए तो ट्रू लव है। किसी एक को देख के प्यार होता है तो आपका दुखी होना, आपका दुख काफी नजदीक। ये जो किसी एक से होता है ना ये बहुत प्रॉब्लम, जब सबसे होता है तो किसी एक से भी रहता ही है। तो यहां ये पता इससे क्या निकला, कितने लोग इस चेन में शामिल हैं, कितने प्रतिशत लोग इस चेन में शामिल हैं, तो ऊपर वाला माला बिल्कुल ही खाली है। कोई क्लैरिटी नहीं है हमको जिंदगी की, और जिंदगी की सारी मेहनत उस ए से बी होने के लिए, मैं मेरी फैमिली को भूल गया, मैं मेरे शरीर को भूल गया, मेरा शरीर तबाह हो गया, संबंध तबाह हो गए, दोस्त छूट गए, और अंतिम निष्कर्ष सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। तो बार बार ये निष्कर्ष आने का मतलब ही है कि जिंदगी का एड्रेस गलत है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, इसका एक और इसमें रूप बल धनपद की एक और प्रॉब्लम बहुत गहरी है। कभी आपने ऐसा किया कि किसी शादी में गए और सामने वाले ने 5 रोटी खाई, उसको देख के आपको जोश आ गया, मैं 10 खा के दिखाऊंगा, ऐसा किया? ऐसा नहीं किया। लेकिन बाजू वाला कार ले आया और अपनी तो बिल्कुल जल गई है ना, और अपने तो उससे बड़ी कार जब तक आएगी नहीं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। ये कार में कंपैरिजन क्यों होता है, खाने में कंपैरिजन क्यों नहीं होता है? 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 खुद की बात आती और कार की किस्त कौन पटाता, पड़ोसी पटाता है। कार की किस्त आप ही पटाते हो, बताइए बताइए किसको आंसर देना है। खाने में क्यों कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कार में, गाड़ी में, मोबाइल में, मकान में, पैसे में क्यों कंपैरिजन होता है? ऐसा नहीं, माइक से बोलो। हाँ जी, पीछे माइक दीजिए, हाथ उठा, जहां हाथ उठ रहा है माइक वाले देखिए। हाँ, उसके बॉडी को पता होता है कि मैं नहीं खा पाऊंगा इतना। हाँ, गुड। लेकिन कार पॉसिबल है, मैं आज नहीं कल ले लूंगा। हाँ हाँ हाँ। सर, इच्छाओं की लिमिट नहीं है, खाने की एक लिमिट है। हाँ, इच्छाओं की भी लिमिट है, उसको समझेंगे। देखो सारा मामला इसी पे चर्चा कर रहे हैं, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। देखो अब ये समझ में आ गया कि खाना खाने के बाद नेचुरली बॉडी ये बताती है, हेलो, खाना खाने के बाद बॉडी ये कह रही है कि भाई हो गया, अब खाएगा तो उल्टी हो जाएगी, ठीक हो गया। तो वहां कोई नेचुरल सिग्नल मौजूद है, नेचुरल कंट्रोल मौजूद है। लेकिन जब मैं कार के बारे चर्चा करता हूं, जब मैं रूप रंग के बारे चर्चा करता हूं, तो उसका कोई मेरे पास कंट्रोल का रेफरेंस नहीं है, उसका कोई मेरे पास यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है। जैसे सुंदरता का यूनिवर्सल पैरामीटर क्या होगा, रूप, हम सुंदर दिखना चाहते हैं ना, ये सुंदरता का यूनिवर्सल पैरामीटर क्या होगा, किसको सबसे सुंदर कहेंगे? देखो भारत में ट्रक के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले,
तेरा मुंह काला। अब कल्पना करें कि ये ट्रक अफ्रीका में जा रहा है, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, काला गोरा। अब इंडिया में इंडिया का गोरा व्यक्ति 5 घंटे में काला हो जाता है। कैसे? इंडिया से फ्लाइट लिया, लंदन में उतरा, और वहां लोग उससे गोरे हैं, वो लोग तो आपको गोरा नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब गोरा काला कंपैरेटिव है, इसमें कोई यूनिवर्सल रेफरेंस नहीं हो सकता है, सुंदरता का कोई यूनिवर्सल रेफरेंस नहीं हो सकता है। हर माँ को अपना बच्चा प्यारा ही दिखता है ना। छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है झपा गया, झपा गया मतलब फंस गया। ये जब प्यार व्यार हो जाता है तो पड़ोसी कहता है यार फंस गया तू, वो कहता है उसको तो ठीक ही लगते रहता है, तो बाकी जो समझ में आएगा बाद में आएगा। तो ये सुंदरता, फिर हमने कहा कि देखने वाले की आंखों में होती है। तो इसका मतलब है कि जिन चीजों का कोई यूनिवर्सल रेफरेंस नहीं है, यूनिवर्सल पैरामीटर्स नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट कंपैरिजन में जाएगा। इसलिए रूप का कंपैरिजन होगा, धन का कंपैरिजन होगा, पद का कंपैरिजन होगा, पैसे का कंपैरिजन होगा, इसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन इसको हम समझ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये पहचान मेरी स्थायी होगी कि अस्थायी होगी? अस्थायी होगी। निष्कर्ष की ओर चले, बताइए अभी हमारी जीवन शैली में, अभी हमारी जीवन शैली में कितने प्रतिशत लोग सुख से, इंद्रियों से निरंतर सुख पाने के प्रयास में लगे हुए दिखाई देते हैं, रूप बल धन पद से सम्मान की तलाश में लगे हुए दिखाई देते हैं? कितने प्रतिशत? 90 बोलिए, 95 बोलिए, 99 बोलिए, जो भी बोलिए। अब बताइए भाव की परिभाषा क्या है, भाव की स्वीकृति। यहां पे भाव कैसा है, परिवर्तनशील है कि स्थाई है? यहां पे भाव परिवर्तनशील है कि स्थाई है? अरे जो परिवर्तनशील है कि स्थाई है? परिवर्तनशील है। यदि भाव ही परिवर्तनशील है तो भाव भी परिवर्तनशील रहेगा ही। बात पहुंच गई? मैं भाव और विचार को कैसे कंट्रोल किया जाए, भाव और विचार हमेशा स्टेबल हो सकता है, हमेशा सुखदाई हो सकता है, इस पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये समझा हमारी अभी की जिंदगी में हमारा भाव और विचार स्टेबल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि भाव ही परिवर्तनशील है। ये सारे का मतलब क्या है? मैंने अपने आप को मानव के रूप में पहचाना है कि मैंने अपने आप को शरीर के रूप में पहचाना है? हमने अपने आप को मानव के रूप में अभी नहीं पहचाना, हमने अपने आप को शरीर के रूप में पहचाना है, यहां से ये पता चला। और शरीर खुद में परिवर्तनशील है। देखो जब आपको किसी से कोई चीज की जरूरत होती है तो उसके प्रति आपका भाव कैसा रहता है? किसी से पैसे की जरूरत है, किसी से कोई और चीज की जरूरत है, जब आपको किसी से किसी चीज की जरूरत है, ज्यादा खोल के कहने की जरूरत नहीं है, तो तब आपका भाव कैसा रहता है? और वो आवश्यकता पूरी होने के बाद कैसा रहता है? बदल गया। इससे ये समझ में आया यदि भाव परिवर्तनशील है तो भाव परिवर्तनशील रहेगा, लेकिन भाव निरंतर हो जाए तो भाव स्थायी हो जाएगा। तो चलो अपन सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो अब बताओ आज और अभी आपकी जिंदगी में क्या चीज है जो निरंतर है? हाँ जी, आज और अभी आपकी जिंदगी में क्या चीज है जो निरंतर है, हमेशा है? सर, माइक से बोलो। हेलो। हाँ जी। सर, इंसान की सास और उसकी खुद की फैमिली निरंतर है। भाई साहब, खुद की फैमिली और सांस की बात करेंगे तो सांस भी निरंतर नहीं है, आ रही है जा रही है। निरंतर का मतलब अब रुक गया, अब निरंतर नहीं हो सकता है, है ना, इतना ही है बस। तो इसलिए मतलब सांस निरंतर नहीं है, कभी ले रहा हूं कभी नहीं ले रहा हूं, है ना। और शरीर तो जाने ही वाला है, तो परिवार तो जो है अभी जिसको परिवार मान रहे हैं शरीर के रूप में वो भी रहने वाला नहीं है। तो ये दोनों निरंतर नहीं है। क्या निरंतर है? परिवर्तनशील है, है ना। आज जो पत्नी है, मतलब अगली शरीर यात्रा में अपने को नहीं पता क्या होने वाला। हाँ, मैं वैसा नहीं बोला जैसा आप समझ रहे हो। हाँ जी,
बढ़िया। और आप कहाँ हो? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एक चीज इन्होंने पहचान लिया, एक चीज इन्होंने पहचान लिया कि धरती के किसी भी मानव में विचार की ताकत निरंतर है। विचार की ताकत किसी भी मानव में निरंतर है, हमेशा है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, किसी भी मानव में जो मूल चाहत है, जो फंडामेंटल किसी भी मानव में जो उसकी डिजायर है, चाहत है, वो भी निरंतर है। जैसे सभी मानव सुख की निरंतरता चाहते हैं। सभी मानव, इससे बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, जैसे मैंने कहा कि सुखी होने के नियम है, जैसे ग्रेविटेशन का नियम है, ऐसे सुखी होने के भी नियम है, क्योंकि हम नेचर का पार्ट हैं। तो जैसे यदि मैं ये कह रहा हूं कि हर मानव जो कुछ भी, हर मानव सुखी होना चाहता है, इसका इसका लॉजिक ये भी हो गया, इसका मतलब आप जो कुछ भी करते हैं अपने सुखी होने के लिए, इसका ये भी मतलब हो गया कि आज तक आपने जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया, दूसरे के सुखी होने के लिए जो होना था बाय डिफॉल्ट हो गया, लेकिन आपने जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया, दूसरे के सुखी होने के लिए नहीं किया, सेंटर में आपका सुख था, ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा है कि नहीं? आप असहमत होकर देखो मैं क्या बोल रहा हूं। आज तक आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, जो किया अपने सुखी होने के लिए किया, ऐसा है कि नहीं? आप अस देखो, सोच के देखो, असहमत होके देखो, बोलिए बोलिए जो आपके मन में है, बोलिए बोलिए, माइक दीजिए इनको। है ट्रू? इतनी जल्दी नहीं मानते, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो मैं क्या संदर्भ में कह रहा हूं, अधिकांश लोगों का दुख इस बात का है कि हमने इतने लोगों के लिए इतना कुछ किया और उनका कोई रिस्पॉन्स वापस नहीं आया, है ना? तो सब एहसान फरामोश हैं, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। बात पहुंच गई? और खासकर बुजुर्ग लोग ज्यादा इस पीड़ा के साथ होते हैं, उनको लगता है कि हमने इतने लोगों के लिए इतना कुछ किया, भाई के बच्चों के लिए, किसी पड़ोस में, समाज में, है ना, और हमारी अपेक्षा थी कि वो गले में पट्टी लटका के घूमता, आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं, उसने पट्टी नहीं लटकाई और मैं इस बात से बहुत दुखी हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सच्चाई ये है कि आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, आपने जो कुछ किया अपने सुखी होने के लिए किया। आप इसमें असहमत होके देखिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हैं? नहीं हो सकते ना, बोलो, माइक लो, बोलो। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, जो किया अपने सुखी होने के लिए किया, ऐसा कहा जा रहा है। पीछे माइक। मतलब आप किसी के लिए कुछ दान पुण्य भी करते हो? हाँ। तो उससे आपको आपको शांति मिलती है, इसलिए तो उसके लिए थोड़ी कि आपके खुद के लिए उसके लिए हो गया बाय डिफॉल्ट है। यस, अच्छी बात है कि आपके सुख में दूसरे का सुख समाहित है। बिल्कुल। आपके सुख में किसी का दुख भी समाहित हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन आपने जो भी किया, हत्या किया, प्यार किया, मर्डर किया, कहीं ना कहीं उसके मूल में आपका सुख है। इस पे सहमत मत होइए, आप असहमत होने की कोशिश करें। माइक पीछे दीजिए, एक माइक पीछे दीजिए, एक माइक उधर दीजिए। हाँ, गुड। तो आप डिस्कशन को थोड़ा आगे ले जा रही हैं, इनका व्यू सुन लेते हैं फिर आप पे आते हैं। हाँ, इनसे पहले ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, दोनों का आपका एक ही तरह का है। हाँ जी, थोड़ा सा फिर इसमें एक पॉइंट और आगे बढ़ जाते हैं, और तो कोई कुछ नहीं कह रहा। थोड़ा थोड़ा माइक पास में रख ले। अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 में भारत के लिए 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। जैसे ही उन्होंने मेडल जीता, उसके बाद उन्होंने कदम ही नहीं रखा शूटिंग रेंज में। उनका डिजायर फुलफिल हो गया, गोल्ड मेडल जिला दिया, उसके बाद कदम ही नहीं रखा रेंज में। हां, डिजायर सेटिस्फाई होने के बाद
ठीक है, ठीक है। अभी हम सक्सेस किसको कह रहे हैं और जो उसको भी सक्सेस कह रहे हैं, थोड़ा सा उसको मैं फ्रेम पे लाऊंगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, उससे सहमत हूं। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, फिर उस पे आते हैं। हाँ जी, हमने जो कुछ भी किया हमारी खुशी के लिए किया, दूसरे किसी के लिए कुछ भी नहीं किया हमने। उसमें जो हमारा मन जिसमें खुश हुआ उसी के लिए हमने किया। फिर ये बाद में क्यों बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया? ये त्याग फिर कहां से आता है? यदि मैंने जो कुछ भी किया मेरे सुखी होने के लिए किया, फिर त्याग का क्या मतलब हुआ? वो इसलिए बोलते हैं कि हमारी अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा हम समझते हैं, इसलिए बोलते हैं। हाँ, जब किया था तब तो प्यार ही था, और जब प्यार नहीं रहा फिर वो भड़ास या फिर वो रिएक्शन त्याग के रूप में सामने आया। तो मेरे को लगता है कि त्याग शब्द को समझेंगे तो आप दोनों का वो पॉइंट कंसिडर होगा। जैसे त्याग की क्या परिभाषा होगी? त्याग किसको बोलेंगे? त्याग किसको बोलेंगे? तो त्याग मतलब छोड़ना। तो आवश्यक चीजों का त्याग करेंगे कि अनावश्यक का त्याग करेंगे? जैसे हम गैस पास करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, और नहीं त्याग करने दे कोई तो, और अब पेट में अटक जाए तो भाई साहब पूरी प्रॉपर्टी साइन करा ले पर ये पेट खाली करवा दे, इतना सीरियस मामला है वो। इससे ये समझ में आया, त्याग की परिभाषा ये निकले कि अनावश्यक का त्याग होता है, आवश्यक को संभाल के रखा जाता है। अब सैनिक की बात करते हैं। सैनिक ने क्या किया? सैनिक ने जिसको आवश्यक माना उसको संभाल के रखा, उस बीच में जो होना था हो गया। सैनिक में भी एक कैटेगरी भगोड़े सैनिक की होती है, तो जो युद्ध के समय पीठ दिखा के भाग गए, तो उन्होंने उस समय अपने शरीर को आवश्यक माना इसलिए पीठ दिखा के भाग गए, और जिन्होंने देश को आवश्यक माना उस बीच में जान चली गई तो चली गई। एक माँ रात भर बच्चे के लिए जगती है, वो अपने नींद को आवश्यक मानती है कि बच्चे के साथ प्यार को आवश्यक मानती है? तो उसने अपने बच्चे के प्यार को आवश्यक माना, तो जो जिसको आवश्यक माना, इंपॉर्टेंट माना, उसके लिए अपना तन मन धन लगा दिया, उस बीच में जो होना था हो गया। एग्जाम डेज आए और हमने रात भर पढ़ाई किया तो उस दिन नहीं सोए, तो मैं नहीं सोया, नहीं सोने के लिए नहीं सोया कि कुछ पाने के लिए कुछ करता रहा और बीच में नहीं सोना हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया। तो इसका मतलब है जिसने जिस चीज को महत्वपूर्ण माना, जिसने जिस चीज को आवश्यक माना, उसकी चेतना के अनुसार उसने उसके लिए प्रयास किया, इस बीच में कुछ छूट गया तो छूट गया। बढ़िया, तो यहां सुभाष चंद्र बोस की भी बात हो गई और जो भी सैनिक की बात भी हो गई, तो क्लैरिटी बनी। इससे निकला क्या? इससे निकला क्या? इससे काम की बात यह निकली कि मैं जो कुछ भी करता हूं जिंदगी में, मेरे किसी सुख की तलाश में कर रहा हूं। मैंने शादी क्यों किया? क्योंकि मैं सुखी होना चाहता था। मैंने शादी क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं दुखी होना नहीं चाहता था। जैसी जिसकी मान्यता नहीं नहीं मतलब जो नहीं करते हैं उनके लिए कह रहा हूं, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब जितना भी इसको फैला के देखें तो आप पाएंगे कि हर आदमी के पीछे बाई नेचर जो उसका मोटिवेशन है, ये बाई नेचर। अच्छा, ऐसे हम देखते हैं दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा जो सोचेगा आज संडे है, मेरा दुखी होने का मन है, किसके पास जाऊं? ऐसा कोई मिलेगा? इसका मतलब है कि दुनिया के सभी लोग जितने चले गए हैं, जितने आने वाले हैं, सभी सुखी होना ही चाहते हैं, सुख की निरंतरता ही चाहते हैं। बस प्रॉब्लम इतना ही है कि उसका एड्रेस पता नहीं। क्या एड्रेस हमारे पास है? अभी हम इंद्रियों से उसकी तलाश में हैं, हम रूप बल धनपद से उसकी तलाश में हैं। इससे ज्यादा कुछ हुआ तो हमने कुछ समाज सेवा का काम कर दिया, हमने किसी के लिए फ्री में एजुकेशन के लिए कॉलेज खोल दिया, हमने किसी को ब्लड डोनेट कर दिया। किसी को ब्लड डोनेट कर दिया, उससे सामने वाले का जीना हो जाएगा? उससे उसके जिंदा रहने में मदद मिली कि जीने में मदद मिली? तो इससे एक बढ़िया निष्कर्ष निकल के आया कि जो आज तक हम चाहते क्या हैं, हम जीना चाहते हैं। जीने का मतलब क्या है? मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएं और मेरे परिवार में संबंध में तृप्ति रहे, संबंध में गिला शिकवा शिकायत ना हो, सारे परिवार ऐसे ही हो जाएं तो समाज भय से मुक्त हो जाए, और सारे ऐसे लोग यदि जिएंगे तो प्रकृति के साथ भी संतुलन में जिएंगे, तो प्रकृति के साथ भी न्याय करेंगे,
है ना, प्रकृति में संतुलन, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। तो दुनिया की सारी समस्याएं या तो एक व्यक्ति में भाव और विचार की उथल पुथल है, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, या एक परिवार में संबंधों का रोना गाना है, या समाज में भय की स्थितियां हैं, है ना। जैसे मैं कल कह रहा था कि लगभग अभी स्थिति 20 साल पहले दिल्ली में ऐसा नहीं था, आज की डेट में एक माँ अपने 3 साल के बच्चे को ग्राउंड में खेलते हुए छोड़ के किचन में जाके या घर में जाके काम कर ले, अब एक माँ दिल्ली में ये अफोर्ड नहीं करती है, क्योंकि उसको लगता है कि बाहर का वातावरण सेफ नहीं है। तो डे बाय डे हम जैसे एजुकेशन पा रहे हैं, हमारा समाज भय से मुक्त हो रहा है कि भय से युक्त हो रहा है, हम और ज़्यादा किन्हीं किन्हीं मामलों में और ज़्यादा परेशानी की जगह में आ रहे हैं। थोड़ा माइक पास में। बढ़िया। पर हाल ही में मेरी मम्मी की डेथ हुई है, उनसे भी उनका कुछ कुछ ये पट्टा नहीं था, पर हमारे घर में मेरे रेवा काका करके है, जब भी वो उन्हें कुछ बताते हैं तो उनमें झगड़ा ज्यादा होता है, तो फिर होता है, फिर कुछ दिन नहीं होता, फिर होता है। तो सर वेयर इज द प्रॉब्लम, यानी दोनों का बहुत बार देखा कि पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मेल खा, तो ये सब प्रॉब्लम हो रहे, इसकी वजह से हमारे फैमिली में ज्यादा खुशियाँ नहीं आ रही। अब ये बताइए कि जो चार ही नहीं, दो ही पर्याप्त है, चार की जरूरत नहीं है दुखी होने के लिए। तो अब इसका मतलब ये समझ गया, समझ गया। अब ये बताइए कि जो इन्होंने समझ गया, जो इनके जो इन्होंने कहा वो इनके घर की बात है कि सबके घर की बात है, ऐसे बोल रहे हो? सबके घर की बात है कि नहीं? इतनी तो प्रॉब्लम है सबके यहाँ, कम हो ज्यादा हो सबके यहाँ इतनी प्रॉब्लम। देखो इसका रूट देखिए कितना सुंदर है, कैसे पकड़ेंगे। अब ये बताइए, अब जब ये कह रहे हैं कि अभी समझ सबकी एक है कि अलग अलग अपनी अपनी है, अब ये अपनी अपनी अलग अलग क्या है? इंद्रियों के मामले में सुखी होने का डिजाइन सबका एक जैसा रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। रूप बल धन पद से सम्मान पाने का डिजाइन सबका एक जैसा रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो इसको स्वयं को शरीर मान के जीते हुए हमारी कंडीशनिंग, हमारी मान्यताएं, हमारा डिजाइन सबके लिए, सबका डिजाइन एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? ये अलग अलग ही रहेगा। इधर हम अलग अलग ही हैं, अच्छा लगने की दुनिया में हम अलग अलग ही हैं, यही इसकी सच्चाई है। कल तक कैसे चल रहा था? कल तक हमारे पास लॉजिक नहीं था, गरीबी में जी रहे थे, कुछ धार्मिक मान्यताएं थी, बड़ों की मर्जी चलती थी, सबको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, और सबने उसको किसी हद तक माना हुआ था, इसलिए परिवार चल गया। अब क्या हो गया? सबके पास लॉजिक आ गया, सब अपनी बात कहने की हिम्मत कर पाए, और सबका डिज़ाइन अलग अलग है। पहले नाश्ते का टाइम, खाने का टाइम सबका एक था कि अलग अलग था? सबका नाश्ता और खाना एक ही था कि अलग अलग था? अभी सबके सोने उठने के टाइम एक ही हैं कि अलग अलग हैं? नाश्ते और खाने एक ही हैं कि अलग अलग हैं? इसका मतलब ये अलग अलग रहेगा, सबको एक ही कलर पसंद आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन एक घर में बैठ के हम ये चर्चा कर सकते हैं कि यार हम 5 लोग एक घर में रहते हैं तो नाश्ते का टाइम क्या रखा जाए ताकि घर की व्यवस्था बनी रहे, फिर वो सबकी सहमति से तय हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेट हो पाए। सभी कोई एक ही समान मिर्ची खाएंगे कि अलग अलग खाएंगे? सब कोई नमक एक ही जितना खाएंगे कि अलग अलग खाएंगे? सब कोई दो ही रोटी खाएंगे कि कम ज्यादा खाएंगे? तो इसका मतलब है सबको एक ही कार पसंद आएगी कि अलग अलग पसंद आएगी? सबको मकान का एक ही डिजाइन ठीक लगेगा कि अलग अलग लगेगा? तो यहां हम अलग अलग ही हैं, ये बाय नेचर है। यहां हम एक ही हैं, ये भी बाय नेचर है। कैसे? दुनिया के सभी लोग, कोई ऐसा है जो अपमान के साथ जीना चाहता है? कोई ऐसा है जो दुखी होना चाहता है? कोई ऐसा है जो अभाव में रहना चाहता है? कोई ऐसा है जो कन्फ्लिक्ट में जीना चाहता है?
कोई ऐसा है जो असुरक्षित होना चाहता है? यहां हम दुनिया के सारे लोग एक हैं। इसका मतलब यह हुआ, जो बात चल रही थी उसमें अगली बात यह भी है, मानव के पास विचार की ताकत, भाव कहां कहां निरंतर है, मानव के विचार की ताकत निरंतर है, मानव के सुख की चाहत निरंतर है। ये तभी संभव है जब उसका स्वयं में होना निरंतर है। इसलिए मेरा होना, मैं हूं और मैं अमर हूं। मैं एक रियलिटी हूं, मैं अमर हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मेरा शरीर मेल या फीमेल है, मैं मेल या फीमेल नहीं हूं। मेल या फीमेल शरीर है कि मैं हूं? मेल या फीमेल, मेरा शरीर मेल है कि मैं मेल हूं? है? कैसे पता कि मैं मेल नहीं हूं? हो सकता है मैं में पुरुष में मैं वाला मेल, फीमेल वाला मेल, मेल उसमें भी मेल फीमेल होता हो? पहले ये तो बताइए ना, मैं मतलब क्या? हाँ, मैं मतलब क्या? मैं मतलब वो जो बोल रहा हूं। तो आप तो मेल हो? अच्छा, मैं तो मेल, मैं मेल हूं। यस। अच्छा, मैं मेल हूं। देखो, ये सुखी होना कौन चाहता है, सम्मान पाना कौन चाहता है? शरीर सम्मान पाना चाहता है कि मैं सम्मान, ये पूरी कायनात को कौन समझना चाहता है? शरीर समझना चाहता है कि मैं समझना चाहता हूं? शरीर में ब्रेन इंक्लूडेड है। अब ये झंझट आएगा। हाँ। देखो, अब यहां पे आके हम कहां पहुंच गए? साइंस की ये मान्यता है कि ब्रेन शरीर को चलाता है। हाँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सभी धर्मों, विश्व के सभी धर्मों का एक दूसरी मान्यता है कि शरीर को चलाने वाली चीज शरीर से अलग है, जिसको किसी ने आत्मा कहा, रूह कहा, एनर्जी कहा, स्पिरिट कहा और कुछ नाम दिया। तो दो तरह की मान्यताएं हैं। एक तरह की मान्यता है कि ब्रेन ही सब कुछ होता है। तो विज्ञान ये कहता है कि जड़ से चेतना पैदा हुई। भाव क्या है? केमिकल लोचा है। yes. ठीक हो गया। विज्ञान ये कहता है, साइंस ये कहता है कि जड़ से चेतना पैदा हुआ। दूसरी तरफ तमाम धर्म अध्यात्म के जो भी अलग, पूरे विश्व में एक समानता है कि वो कहता है कि शरीर जड़ है, शरीर को चलाने वाली कोई चीज जो रियलिटी है वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, वो नहीं मरता है, शरीर मरता है। ऐसा ही दो प्रकार की मान्यताएं। yes. है ना। अब कौन सी ठीक है, कौन सी ठीक है? तो अभी तो समय की सीमा है, लेकिन फाइनली मैं क्यों समझना चाहता हूं, मेरे को क्यों भी, मेरे को तो ये बोलो यार, घुटना चलाता है आदमी, किसी को बोलते हैं इसका दिमाग घुटने में, तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, घुटने से चलवा लो कि तुम ब्रेन से चलवा लो कि तुम आत्मा से चलवा लो, मेरे को इससे फर्क नहीं। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मेरा भाव और विचार सुखदायी बना रहे, मेरी पत्नी परिवार के साथ मेरा बिल्कुल शानदार चल जाए, ये समाज में मैं बीवी बच्चों को लेकर रात बेरात कहीं भी जाऊं मुझको कोई खतरा नहीं हो, और पूरे विश्व में कोई युद्ध नहीं हो, और प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ताकि मेरे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ढंग से सांस ले सकें। अब ये घुटना मान के हो जाए, अब ये ब्रेन मान के हो जाए कि ये आत्मा, आत्मा को जान के हो जाए या उसको जान के हो जाए, जिससे हो जाए अपने को क्या प्रॉब्लम? वो इरेलेवेंट हो जाता है। रिजल्ट से मतलब है? हाँ, वो इरेलेवेंट हो जाता है, वो इरेलेवेंट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब थ्योरी नहीं बोलेगी, प्रमाण बोलेगा। थ्योरी नहीं बोलेगी। अब बहुत सुन लिया हमने, भागवत भी है, हमने साइंस भी ऐसी पढ़ी जैसे भागवत पढ़ते हैं, है ना। भागवत में बोला कि भागवत सुनने से मोक्ष होता है, भागवत सुनने से मोक्ष होता तो इस देश की जनसंख्या ऐसे नियंत्रित हो जाती, जितने लोग भागवत करते वो द्वारा जो शरीर नहीं चलाते, तो जनसंख्या नियंत्रित, ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब है सुनने से तो मोक्ष नहीं हुआ, समझने से हो सकता है, इस बात की संभावना है। तो एक बात समझ में आ गया कि ब्रेन चलाए कि आत्मा चलाए कि घुटना चलाए, यदि मैं मेरे भाव और विचार को नियंत्रित कर पाऊं तो मैं स्वीकार लूंगा कि हाँ ये सच्चाई ठीक है। तो इसका मतलब है अब इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। फिलहाल अभी ये कहना चाहता हूं, महिलाएं पहले समझेंगे कि पुरुष पहले समझेगा? अब देखो अभी फैसला होता है, महिलाएं पहले समझेंगे कि पुरुष पहले समझेगा? दोनों में से कोई भी समझ सकता है। कोई भी समझ सकता है। हाँ। इसका मतलब समझने वाली चीज सेम है। यस, सेम है। इसका मतलब यदि ब्रेन समझने वाली चीज होता तो बादाम खाने वाले का ब्रेन ज्यादा बेहतर हो जाता, और गरीब आदमी जिसको खाने नहीं मिला कुछ
वो तो कभी कुछ नहीं समझ पाता। शरीर तो बेसिकली भौतिक रासायनिक रियलिटी है, फिजिकल केमिकल रियलिटी है, तो ब्रेन भी सोडियम पोटेशियम है, ब्रेन भी कुल मिला के सेल्स है। ये सोचने की बात है कि एटम मॉलिक्यूल से बनी हुई सेल है, ट्रेन कैसे हुआ है ना। अब एटम मॉलिक्यूल से बनी हुई सेल में, किस सेल में ये सिम्टम पैदा हो गया कि वो देश को बचाने के लिए अपना शरीर न्योछावर कर देता है, ये किस सेल का एक्सप्रेशन हो सकता है, ये सोचने की बात है। ये सोचने की बात है कि किसी समाज को न्याय दिलाने के लिए एक आदमी जिनके साथ कोई संबंध नहीं है वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है, किसी अजनबी को बचाने के लिए एक आदमी अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है, किसी ज्ञान की तलाश में आदमी -35 डिग्री सेंटीग्रेड पे हिमालय पे 30 साल से बैठा है, ये किस कोशिका की जरूरत है। तो यहां हमको एक सोचने की जगह बनती है कि नहीं, है ना, रियलिटी को समझना ही होगा, हमारे मानने या ना मानने से रियलिटी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, फाइनली मेरी जिंदगी सफल हो जाए, और यदि ये मल्टीप्लाई हो जाए तो प्रमाणित हो गया। यस, ये मल्टीप्लाई हो जाए तो प्रमाणित, भाई हम लैब में, हम साइंस को कैसे मानते हैं, हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर बार सेम रिजल्ट आता है तो हेंस वेरीफाइड बोल देते हैं। मैं यदि इस बात को समझता हूँ कि शरीर को चलाने वाली रियलिटी शरीर के बियॉन्ड है, मैं इसको समझता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, मेरे भाव और विचार में आई है, आपके में भी आ जाती है, ये सभी में आने लगती है, हेंस प्रूव्ड, इतनी yes. बात है। यस yes. ये होता है, 7 दिन में दिखा सकते हैं आपको। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी के लिए संदर्भ इतना ही है कि हम केवल अभी इतनी चर्चा करना चाह रहे, भाव और विचार को मैं नियंत्रित कर सकता हूं, हम इस संभावना पे चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि भाव विचार मेरे सुख दुख का कारण है। यदि भाव और विचार मेरे अनुसार चलता है, हमेशा सुखदायी हो सकता है, तो मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में आ सकता है। अभी मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है कि बाहर है, अभी परिस्थितियां मेरे भाव और विचार को बदलती हैं, परिस्थितियां। और देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक प्रिंसिपल ने 10 टीचर को बुला के समान रूप से डांटा, 10 एक समान प्रभावित होते हैं कि अलग अलग प्रभावित होते हैं, अलग अलग होते हैं, कल वो जितना प्रभावित होता था आज भी उतना ही होता है कि बदल जाता है। इसका मतलब इस डायनेमिक्स को बदला जा सकता है। कल तक हम ये मानते थे कि बिजली कड़कती है तो देवी देवता नाराज होते हैं, ऐसा हम कभी मानते थे, धीरे से हमने सोचा कि नहीं भाई, केमिकल रिएक्शन है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो जिन चीजों को हम समझ पाते हैं उनसे हम डरते नहीं है, उनके साथ हम जीने लगते हैं। तो मशीन को समझ पाए हैं तो मशीन के साथ में जी पाए हैं, मानव के साथ नहीं जी पा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं समझे, मानव को समझ नहीं पा रहे हैं। कौन सी क्लास में है? सेकंड क्लास का बच्चा है, बताओ कितना बढ़िया लॉजिक के साथ चल रहा है। सेकंड क्लास का बच्चा है, आपको शिविर देख के, जब इस 7 दिन का शिविर चलता है तो कोई कोई बच्चा सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का इस तरह लॉजिक के साथ चलता है कि आपको देख के आश्चर्यचकित हो जाएगा कि यार ये जिंदगी तो कहीं और है, और हम तो बिना ही मतलब कुछ और सोच के बैठे। तो मेरे को लगता है वो जो 7 दिन में जिंदगी का दर्शन होता है, वो जो 7 दिन में अपने भीतर एक एम्पावरमेंट आता है कि नहीं, जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे मैं बैठ सकता हूँ और मैं मेरी जिंदगी को चला सकता हूँ, और मेरे परिवार में सभी ऐसे हो सकते हैं, बाई एजुकेशन ये जमाना ऐसा हो सकता है, ये इतना सुखदाई और इतना एम्पावरिंग प्रोसेस है ना, कि हमारी जिंदगी के तमाम नेगेटिविटी कहीं हमसे काफुर होने लगते हैं। इसका मतलब अभी के लिए यदि विचार की, अच्छा देखो बढ़िया लॉजिक, खाना खाने से जो ऊर्जा मिलती है वो सीमित होगी कि असीमित होगी? खाना खाने से जो ऊर्जा मिलती है वो सीमित होगा कि असीमित होगा, बोलते जाओ। और ये विचार की ऊर्जा सीमित है कि असीमित है? इसका मतलब खाने से आती है क्या? खत्म। विचार की ताकत, आदमी गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, हमेशा बना ही रहता है। विचार की ताकत का किसी को बहुत अच्छा खाना खिला के पहलवा खाना खाना कम कर दोगे तो जिंदा रखो। मैं यही कहने जा रहा था, एक बच्चे को जमाने का सारा एक्सपोजर दिया जाए, खाना इतना ही दिया जाए कि जिंदा बना रहे, एक बच्चे को दुनिया की सारी ताकत दिया जाए और कोई एक्सपोजर ना दिया जाए, क्या स्थिति होगी?
जिसको जमाने का कोई एक्सपोजर नहीं दिया गया और जम के खाना दिया गया तो कैसा हो जाएगा, वो WWW हो जाएगा। वो ना पशु टाइप लड़ते हैं टीवी में, है ना, वो तो बहुत हेल्दी होते हैं। इसका मतलब है एक कमजोर, एक शरीर से कमजोर बच्चे की मानसिक ताकत, मानसिक ताकत का शरीर से कोई लेन देन है? शरीर से कमजोर बच्चा मानसिक रूप से बहुत सक्षम हो सकता है और एक पहलवान आदमी मानसिकता से बहुत सामान्य हो सकता है। इसका मतलब मानसिक ताकत अलग चीज है। मानसिक ताकत ही नहीं, एक परिवार में पैदा हुए दो बच्चों की मानसिक ताकत बहुत अलग हो सकती है और उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सेम माँ बाप, सेम गली, सेम मोहल्ला, सेम टीचर, एक बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, एक बिल्कुल सामान्य हो सकता है। तो इसका मतलब है ये कुछ अलग दुनिया है जिसको थोड़ा और विस्तार से समझने की जरूरत है। अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली मैं हूँ तो मैंने कहा कि महिलाएं पहले समझेंगे कि पुरुष पहले समझेगा, 20 साल वाला पहले समझेगा कि 60 वाला, PhD वाला पहले समझेगा कि 10वीं क्लास वाला, और कोई धर्म जाति विशेष समझेगा नहीं। तो इसका मतलब है जो ध्यान देगा वो समझेगा, जो ध्यान देगा वो समझेगा, जिसकी पात्रता है वो समझेगा। इसका मतलब समझने वाली चीज मेल फीमेल, स्त्रियों को सम्मान ज्यादा चाहिए कि पुरुष को, दोनों को। इसका मतलब ये दोनों एक टाइप की चीज है। ये जिसको सम्मान की जरूरत है वो शरीर नहीं है, जिसको सम्मान की जरूरत है, जिसको विश्वास की जरूरत है, जो पूरी कायनात को समझना चाहता है, जिसमें ये विचार की ताकत है, ये कोई अलग एंटिटी है, ये कोई अलग ताकत है। इसको ऑब्जेक्टिवली समझा जा सकता है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं उतना ही क्लैरिटी के साथ 7 दिन में आप इस ताकत को देख सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। इस पर समय आने से बात करेंगे, अभी तो शिविर सामने है ही है। तो इससे एक पता चला, इससे समराइज कर ले, मेरे को लगता है टाइम मेरे को पता नहीं चल रहा है, 10 मिनट में समराइज करता हूं। अब देखिए, फाइनली समराइज कर रहा हूं, कहां पहुंचे, हमने क्या शुरू किया। एक तो ये समझ में आया कि मैं चाहता क्या हूं, जीना चाहता हूं। जीने का मतलब मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदाई हो जाए। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि परिवर्तनशील, भाव ही परिवर्तनशील है, इसलिए भाव ही परिवर्तनशील है। फिर जो अभी तक कर रहे हैं वो क्या है, वो जीना है कि नहीं है? पता चला वो जिंदा रहना है। चाहते क्या है? जीना। प्रयास क्या कर रहे? जिंदा रहने का। हमारा एड्रेस सही है कि गलत है? हमारा एड्रेस ही गलत है। हमने जिंदा रहने को जीना माना है, जबकि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम आता ही नहीं है। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं ताकि क्लैरिटी बन जाए। कितनी सुंदरता होगी कि मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदाई हो जाएंगे? कोई रिलेशन? कोई रिलेशन? पीछे वालों, कोई रिलेशन नहीं। मेरा शरीर कितना मजबूत, कितना ताकतवर हो जाएगा कि मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे? पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, बच्चों के साथ प्यार बना रहेगा। कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। कितना पैसा होने से मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदाई हो जाएंगे? भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। कितना पैसा होने से पति पत्नी में हमेशा प्यार बना रहेगा? कितना पैसा होने से भाई भाई में बंटवारा नहीं होगा? कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। कौन सा पद होने से भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदाई हो जाएंगे और हमेशा संबंधों में प्यार बना रहेगा? कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। कितने हॉस्पिटल बनवाओगे चैरिटेबल कि आपके भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदाई हो जाएंगे? कितना पैसा दान करने से आपके भाव और विचार सुखदाई हो जाएंगे? कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। इसके अलावा आपने कुछ किया हो तो बता दो। आज तक आपने जो कुछ भी किया वो जिंदा रहने के लिए किया कि जीने के लिए किया? जोर से बोलो। असहमत हो माइक पकड़ो, माइक पकड़ो। माइक पीछे, हाँ बोलिए बोलिए, थोड़ा माइक पकड़िए। हाँ आवाज, माइक ऑन नहीं। जिंदा रहने के लिए किया, इसलिए
जीना किसे कहते हैं वो एग्जैक्ट पता ही नहीं चला। हाँ, तो जीने का एड्रेस ही पता नहीं है, जीने का एड्रेस ही पता नहीं है। कभी मैंने माना, कभी मैंने माना कि खूब सारा सुविधा हो जाएगी, घर में एसी और गाड़ी में एसी हो जाएगा तो जीना हो जाएगा। कभी मैंने माना कि पीएचडी कर लूँगा तो जीना हो जाएगा। कभी मैंने माना, और क्या, कभी मैंने माना कि दूसरों की सेवा कर दूँगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दूँगा, कुछ और कर दूँगा तो जीना हो जाएगा। आप जिस फ्रेम में बात कर रहे हो उसमें कोई गलती नहीं है, फ्रेम को समझना पड़ेगा। आपका फ्रेम अच्छा लगने में है कि अच्छा होने में है, अभिनव बिंद्रा से पूछ के देखना भाव और विचार में कोई स्थिरता आ गई कि नहीं, है ना। अरे अभी उसकी तरफ से आप मत बोलो, आपने जो किया हो आप उसी को बोलो। इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट ये है, जो आपने जिया उस पर बात करो, जो दूसरे ने जिया उसके बारे में हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है। आपने जो किया उस पर बात करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे देखो, अब बहुत मेरे को लगता है शांत मन से अपन सोच सकते हैं। अब बताओ, कोई भी एजुकेशन दुनिया में पालो, जिसको अभी हम IIT, हम जिन चीज़ों को बड़ा मानते हैं, IIT, IIM, IAS और जो कुछ भी है ना, अभी वो एजुकेशन ज़्यादातर हमारी किस डायरेक्शन में आती है, वो बेसिकली किसी मटेरियल वर्ल्ड को समझने के अर्थ में है, वो बेसिकली किसी क्या बोलेंगे फिजिकल केमिकल रियलिटी को समझने के अर्थ में है, वो जिंदगी की अभी बात ही नहीं कर रहा है। और जबकि मैं एक मानव हूँ, मुझको जिंदगी जीना है, तो ये कहा, अब फ्रेम को सेट कर रहे हैं कि भाई मैं जीना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? एक क्षण के लिए भी अपमान स्वीकार होता है क्या? गरीबी स्वीकार होती है क्या? रिलेशनशिप में खटपट स्वीकार होती है क्या? ये हमको स्वीकार नहीं होता है, लेकिन अच्छा तो लगता है। कैसे? मिलके एक ही मन की, अपने मन की पिक्चर देखने दोनों गए और 3 घंटे दोनों ने एंजॉय किया, ये अच्छा तो लगा, लेकिन पिक्चर तो 3 घंटे में ख़त्म हो गई, जिंदगी तो अभी 80 साल बची है, अब उसके बाद कौन सी पिक्चर देखूंगा? जो घर में पिक्चर चल रही है वो ठीक नहीं है, है ना। तो इस, और जो मेरे अंदर की पिक्चर चल रही है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें किसी से कंपैरिजन है, किसी बात पे डिससेटिस्फेक्शन है। तो इसका मतलब है कि अच्छा लगना और अच्छा होने को हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। अच्छा लगने की औकात नहीं है कि उसमें निरंतरता आ जाए, ये दो अलग अलग दुनिया है। तो जब तक ये दुनिया को हम अलग अलग नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदा रहने की दुनिया में हमने उपलब्धियां पाई हैं, है ना, इतने बढ़िया मकान पाए हैं, इतनी अच्छी गाड़ियाँ पाई हैं, दुनिया में घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है ना, एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया है। लेकिन फाइनली ये सब पाने के बाद भी ये सब करने को खराब नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। लेकिन अल्टीमेटली तो जिसको मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाव और विचार में यदि किसी से कंपैरिजन आके मेरे को छोटापन महसूस होता है, तो क्या ये मेरे को स्वीकार होगा? या जो कुछ भी मैंने पाया किसी दिन वो बेकार लगने लगता है, यार इसमें मजा नहीं आ रहा है। आपकी उम्र अभी थोड़ी कम है, 50-60 में पहुंचोगे, 50-60 तक पहुंचते तमाम उपलब्धियां जीरो हो जा रही हैं, हमारे तमाम दोस्त तमाम फील्ड्स में एक से एक ना, और मैं ऐसा काम करता हूं कि मेरे को संयोग से सभी तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और वो अपने दिल की, ये मंच ऐसा है जहां आदमी अपने दिल की बात कर पाता है। 50-60 तक पहुंचते जिन चीजों को हम बड़ा मान रहे थे, वो कोई पॉइंट के बाद उसमें लगता है यार ठीक है पर कुछ और भी शेष है। ये जो और भी शेष है जो जिंदगी को नहीं भरता है, तो मैंने अभी भी 4 क्वेश्चन आपके सामने पूछे, किसी भी गेम्स में दुनिया में टॉप करने से क्या मेरे भाव और विचार में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी? कितना पैसा होने से मेरे भाव और विचार में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी? कितना बड़ा पद होने से मेरी फैमिली के रिलेशन हमेशा के लिए ठीक चलेंगे? तो अल्टीमेटली जिसको हम, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है, भाव और विचार 24/7 है, मेरी फैमिली के रिलेशन हमेशा मेरे साथ है, इस दुनिया में मेरी सफलता असफलता हमेशा मेरे साथ है, इन सारे मामलों में जो भाव और विचार में जिस स्टेबिलिटी की मुझको तलाश है, उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। दुनिया मेरे को देख के कहे कि यार मैं बहुत खुश हूँ, ये अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ मैं अपने आप से पूछ के देखूँ कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, और खुश हूँ तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको लगता है या किसी को भी लगता है यार मेरा तो अभी काम चल रहा है, तो अभी काम चलाओ, जब ऐसा लगेगा कि कोई गैप है तब बात करेंगे। सर, व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज, इवन इफ योर गोल्स आर बीइंग फुलफिल्ड एंड यू आर चेजिंग न्यू गोल्स, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, गोल खत्म होता है, दूसरे पे चले जाते हो। बहुत बढ़िया, ये आपका पॉइंट अच्छा है।
मेरे को लगता है, देखो ये अच्छी बात इन्होंने कही, आपका डिस्कशन थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन मैं वाइंड अप भी करना चाहता हूँ। देखो मैंने 89 में इंजीनियरिंग किया, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ, मैंने 89 में इंजीनियरिंग किया, तो मेरी फैमिली बोलती थी कि इंजीनियर बन जाओगे तो ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक, इंजीनियर बन गए, जॉब में चले गए, जॉब से कोई शिकायत नहीं है, शादी से कोई शिकायत नहीं है, कोई चीज़ से शिकायत नहीं है, पर अपने भीतर से लगता है कि नहीं इससे तो काम नहीं चलेगा, ये तो ज़िंदगी नहीं है। घर वालों ने जो कुछ भी बताया वो सारे मापदंड पूरा होने के बाद में, समाज में उसकी स्वीकृति होने के बावजूद भी, और आज मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब 92 में मैं इस स्थिति से गुजर रहा था तब ऐसे लोगों की संख्या मेरे को बहुत कम मिलती थी, आज लगभग लगभग 30 साल की एज में पैसा, मकान, गाड़ी, इंडिया, फॉरेन, ऐसे लोगों की संख्या अब तेजी से बढ़ी है। तो अब नया चलन आ गया, क्या चलन आ गया, ऐसे लोगों की संख्या ठीक ठाक दिखाई दे रही है जो कह रहे हैं यार 40 तक काम करेंगे और 40 के बाद हम कुछ अपना सोचेंगे। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है जो कहता है यार 9 से 5 में कोई जॉब नहीं करूंगा, मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, मैं महीने में 1 वीक काम करूंगा, उसके बाद मैं कुछ मेरा सोचूंगा, मैं मेरे इंटरेस्ट परसू करूंगा। ये चीज कल तक हमारे बचपन में या हमारे और थोड़ा पीछे चले जाएं, आपकी चॉइस का सवाल नहीं था, बहन की शादी करनी है इसलिए जो जॉब मिले करो, घर का किराया नहीं आएगा तो मकान मालिक घर से बाहर निकाल देगा। तो हमारे दौर में या हमसे और थोड़ा पहले एक दौर था जब आपकी चॉइस का सवाल नहीं था, जब घर की मजबूरियां, घर की आवश्यकता आपको ड्राइव करती थी। आज हमारे बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो हम उनको बोल रहे हैं कि यार अब तुम खुल के जो देखना है जमाना देख लो, है ना। आज बच्चे भी अपनी चॉइस से चल पा रहे हैं और माँ बाप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये स्थितियाँ कल तक नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी स्किल में भी चला गया। देखो अब यहाँ समझने की बात है कि अब मैंने मेरी चॉइस से मैं इंजीनियरिंग पढ़ लिया। हमारी एक बेटी एमटेक करने के बाद उसको लगता है कि यार मेरे काम का नहीं है, उसके बाद उसको लगता है कि फैशन डिज़ाइन मेरे काम का है, तो उसने फैशन डिज़ाइन में अपना तैयारी किया, आज फैशन डिज़ाइन में काम कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन फैशन डिज़ाइन में काम कर रहा है, इससे उसके भाव और विचार, उसके पति और बच्चों के साथ संबंध ठीक से चल जाएंगे, और ये उसकी ज़रूरत है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि दोनों मेरी ज़रूरत है। मेरी फिजिकल नीड के लिए मैं फैशन डिज़ाइन करूँगा कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, ये मेरी चॉइस हो सकती है और उसमें मेरा अच्छा लगना भी शामिल हो सकता है। लेकिन ये मेरा फैशन डिज़ाइन या इंजीनियरिंग करने के बावजूद मैं एक पिता हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं एक दोस्त हूँ, मैं किसी समाज में रहता हूँ और मैं एक मानव हूँ। 24 घंटे मेरे भीतर भाव और विचार की धारा बहती है और मेरे को किसी दूसरे को देख के कंपैरिजन होता है। यदि कंपैरिजन करके मेरे को अपने आप में छोटापन महसूस होता है, अब इसको क्या करूं? बात पहुंच रही? कितने लोगों तक पहुंच रही? हाथ उठाओ। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि जिस पार्ट की आप बात कर रहे हो वो आवश्यक है ही, वो ठीक ही है। तो इसका मतलब है दोनों पार्ट को साइमल्टेनियसली हैंडल करने की जरूरत है। मैं एज ए ह्यूमन बींग दोनों चीजें साथ साथ हूं। मैं एक भाव और विचार से सुखी दुखी होने वाला आदमी भी हूं और मेरी रोटी कपड़ा मकान भी मेरी जरूरत है। तो मेरी रोटी कपड़ा मकान मेरे इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्टिंग काम के साथ पूरी हो जाए, ये भी मेरी जरूरत है। तो मेरे शरीर की भूख तो पूरी हो गई लेकिन मन की भूख अभी बाकी है, वो अभी एड्रेस नहीं हो रही है। तो मेरे भाव और विचार की स्टेबिलिटी, मेरे संबंध की स्टेबिलिटी और पूरे समाज में भी वो स्टेबिलिटी आए थॉट प्रोसेस में, तो हम एक दूसरे, आदमी ने दुख आदमी से पाया कि किसी जानवर से पाया? हमने दुख आदमी से पाया। किसी डिपार्टमेंट में जाओ, हम आजाद देश के लोग हैं, हमको नहीं लगता है, पुलिस को देख के अपनापन लगता है कि उससे भी डर लगता है ना। डे बाय डे जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, शिक्षा के प्रति विश्वास आने वाली पीढ़ियों का बढ़ रहा है कि घट रहा है? सरकारों के प्रति बढ़ रहा है कि घट रहा है? कोर्ट के प्रति बढ़ रहा है कि घट रहा है? यदि तमाम हमारी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आने वाली पीढ़ियों का विश्वास घटता है तो ये पीढ़ी कैसा जिएगी? ये रिबेलियन नहीं होगा तो क्या होगा? इसका मतलब आज की स्थिति क्या है? आज बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का माता पिता के प्रति सम्मान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो, घटता हुआ दिखाई देता है। तो इसके लिए बच्चे दोषी हैं कि हम दोषी हैं? या तो हम सम्मान के लायक नहीं हैं, या हम सम्मान के लायक हैं तो उनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो माला अपने ही गले में है।
बढ़िया। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि हम फिजिकल अचीवमेंट्स को नहीं पाएंगे, लेकिन यदि मानसिक रूप से हम स्टेबल नहीं होंगे तो फिजिकल चीज़ें भी हमको सुख नहीं देंगी। हमारा मकान बहुत अच्छा है, मकान में रहने वाले लोगों का झगड़ा हो गया, अब क्या करोगे? और 10,000 करोड़ वाले का झगड़ा होगा कि नहीं होगा? राष्ट्रपति भवन में पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो ही सकता है। तो ये अलग दुनिया है, इसको भी हमको एड्रेस करने की जरूरत है। फाइनली क्या निष्कर्ष निकला बोलिए, इतनी सारी चर्चा में निष्कर्ष क्या निकला, कौन बोलेगा? हाँ जी, पीछे एक माइक दीजिए, पीछे एक माइक, तब तक आप बोलिए। हाँ जी, आगे एक माइक दीजिए। माइक बंद हो गया आपका। हेलो, पूरी डिस्कशन होने के बाद एक ही कंक्लूजन निकला है सर कि जीवन एक संघर्ष है और इस जीवन को संघर्ष ना, संघर्ष की नजरिए से ना देखते हुए जीवन जीना चाहिए। हाँ, इसका मतलब है, मैं आपकी बात को ठीक कर दूं, आपका भाव ठीक है। तो बेसिकली हमारा कंफ्यूजन ये है कि हमने जिंदा रहने को जीना माना है, जबकि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। ये कंक्लूजन आए बिना जिंदगी शुरू नहीं होती। तो ये एक मेजर कंक्लूजन है कि जिसको अभी तक हमने जीना माना बेसिकली कंफर्ट्स हैं, वो हमारा कंफर्ट जोन है। ये शरीर के लिए तो कंफर्ट जोन आ गया, लेकिन मानसिक रूप से कंफर्ट जोन कहाँ आया? तो मेंटली भी हम कंफर्ट में आ जाएं उसकी जरूरत है, उसकी दुनिया अलग है, उसका सॉल्यूशन अलग है। जी पीछे, पीछे माइक। सर आपने बोला था कि जो माँ बाप है या जो है, जो हम सिर्फ अपने सुख के लिए कर रहे हैं, किसी और के सुख के लिए नहीं कर रहे, बाय डिफॉल्ट हो गया। जब ये बात अगर बाय डिफॉल्ट हो जाती है, जब हमारा समर्पण भाव हमारे बच्चों के प्रति, हमारे परिवार के प्रति नहीं रहता है, सिर्फ अगर वो हम अपना सेल्फ सुख या जो भी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो फिर बाकी एक्सपेक्टेशन तो किसी और से कर ही नहीं सकते ना। जैसे आपके दो कंक्लूजन मैंने देखे, अभी हमने बच्चे ये नहीं करते या बच्चे वो नहीं करते या जो आज लिविंग में रह रहे हैं, तो उनको ये चीज़ों की करने की क्या जरूरत थी? अगर किसी भी इतने हाल में बैठे हुए माँ बाप ने अगर अपने बच्चों के प्रति अगर वो भावनाएं नहीं रखी है, इसीलिए शायद आज लिविंग में जा रहे हैं। बिल्कुल, देखो आप गलत नहीं कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये मिलके सोचना। और दूसरा मेरा कहना है, ये जीना जो हम चाहते हैं और जिंदा रहना, ये प्रोसेस है जिंदा रहना। अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तो हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते जो मंजिल है। जो देखो, जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना इसमें शामिल है, बिल्कुल शामिल। लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना शामिल नहीं है, ये गैप है। तो जब हम जीने की बात करेंगे तो जिंदा रहना है ही है ना, तो इसका मतलब है। लेकिन जब हम केवल जिंदा रहने की बात अभी कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए दोनों को एड्रेस करना होगा। तो ह्यूमन को एज ए होल टोटैलिटी में समझना होगा। तो अभी तक हमने केवल शरीर को मान के जिया है। बढ़िया, शानदार। हाँ जी सर, कहाँ हो? हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ 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 यार, बहुत हो इसका। 15 से 21 7 साल हुए सर मेरे शादी। 15 से 21 15 जनवरी से 21 जनवरी में आओ, फैमिली को साथ में लेके आओ, रिजल्ट प्रोड्यूस करना मेरी जिम्मेदारी। सर हमें दूसरे आज से रिलेटेड करना चाहता हूँ एक डिबेट कि आदमी, हम सब बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, वो ऐसा होता नहीं, कंपैरिजन होगा ही। बहुत कंपैरिजन करते हैं, जैसे अभी मैं खुद जॉब करता हूँ तो मैं तो किसी चीज से ज्यादा कंपेयर करता नहीं हूँ, पर लेकिन कंपैरिजन से प्रभावित होते हो? कंपैरिजन से प्रभावित होता हूँ बहुत। बस कलीग्स बोलते हैं, अरे यार ये इसका अच्छा हो रहा है, इसकी बढ़ोतरी हो रही है, हमारी नहीं हो रही, हम इतने साल पुराने एम्प्लॉयज है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो मैं सोचता हूँ कि वाइंड अप कर देते हैं, 15 से 21 में मिलेंगे। आज के शिविर का, आज की वर्कशॉप का इतना ही मतलब था ताकि आपको एक टेस्ट आ जाए कि ये वर्कशॉप कैसे चलती है, तो वो टेस्ट आपको देने के लिए आज की वर्कशॉप थी। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अपन 15 से 21 में करेंगे। तो मेरी तरफ से मैं सोचता हूँ कि मैं अनाउंस करता हूँ कि जितना कंटेंट मैं आपके सामने रखना चाहता था मैंने रखने की कोशिश की है।
लास्ट आपकी सुन लेते हैं। माय सेल्फ एडवोकेट हेमंत शंभरकर। सर इतना पूरा सुनने के बाद ये समझ में आया है कि आज तक जो भी हाँ जी दो मिनट में वाइंड अप कर रहे हैं, यदि आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए। कंक्लूजन सॉरी वन लास्ट मिनट, इतना ही समझ में आया कि जो भी सिस्टम है अपना आज तक का पूरा रप्चर हो चुका है या किसी काम का नहीं है, सड़ चुका है, गल चुका है, गल चुका। सबको नए एक सिस्टम की जरूरत है और वो सिस्टम इसी इसमें मिले। जोरदार ये मेरी ये है। थैंक यू। है पंद्रह से इक्कीस। हाँ जी हाँ जी कोई बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। जी बढ़िया। और अगर सॉल्यूशन ढूंढने भी हैं तो सबसे पहले बहुत जरूरी है हर इंसान ने अपने आप को समझना, अपना माइंडसेट, आपका जिंदगी को देखने का रवैया क्या है, आपका अपने परिवार के लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, उनके बारे में सोच क्या है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं और उस हिसाब से हर एक इंसान ने अपना अपना सॉल्यूशन निकालना है। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। सवाल आता है कि ना खुश होने के कारण क्या हैं, जब डिफरेंस और द गैप बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, जब रियलिटी हकीकत कुछ और है और एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ और है, उस गैप के कारण प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हर इंसान ने कोई भी डिसीजन लेने के बदले टाइम ये सोचना चाहिए कि उनके खुद की काबिलियत, उनका खुद ठीक है मैडम, ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल हाँ बढ़िया कह रहे हैं, एकदम बढ़िया कह रहे हैं। मिलेंगे अपन और बात करेंगे। सर आपने स्टार्ट किया था एक लड़की के बारे में बात करके जो कि फिजिकली इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो वो शादी का क्या हुआ, क्या हुआ वो सुनना बाकी रह गया, वो प्लीज कंप्लीट करिए। मैं हाँ जी मैं दो मिनट में उसको शेयर कर देता हूँ तो फिर बाकी आधा। हाँ जी मैं सोचता हूँ कि हम वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं और वाइंड अप हम कर देते हैं। मैं केवल दो लाइनें बोल देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग भी है और फिर जो कुछ सूचना आपको कू बहन देंगी तो आप ले लेंगे। तो उससे बात करके ये समझ में आ गया कि इसके डोमेन में एंट्री नहीं मिलेगी, इसका डोमेन एकदम स्ट्रांग है। तो मैंने उसको बात करना शुरू किया, मैंने उसको कहा कि तुम ये लाइफ कितने साल से जी रही हो? उसने कहा डेढ़ साल। दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा कि डेढ़ साल में इस लाइफ को जीते हुए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? तो उसने कहा नहीं प्रॉब्लम तो आती है, कभी किसी से ब्रेकअप हो जाता है और कभी किसी से अनबन हो जाती है, कभी कोई हर्ट कर देता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मैं तीसरा मैं कहा कि क्या तुमको लगता है कि तुम आने वाले 40 साल इसी लाइफ स्टाइल में चल पाओगी? तो बोलती है 40 साल तो नहीं चलेगा इसमें। तो मैं चलो ठीक है, एक कोर्स पूरा हुआ, दूसरा चर्चा शुरू किया। मैं पूरी नेचर को पूरी कायनात को देखो और कोई एक चीज ढूंढ के बताओ जिसके होने का कोई पर्पस ना हो। तो वो थोड़ा सोच के बोलती है कि नहीं सब चीज के होने का कोई पर्पस है। तो मैं तुम इतनी बड़ी सोचने समझने वाली चीज पैदा हो गई हो, तुम्हारा भी कोई पर्पस होगा कि नहीं होगा? बोले नहीं कुछ तो होगा, तुमको पता है क्या? बोले नहीं तो हम तो कब, अब तो ऐसा लग रहा है कि हम तो उस पर्पस को ना उससे आमना सामना ना हो उसी के लिए चिल कर रहे। तो मैं अब क्या लगता है? बोले इतना तो समझ में आ गया कि पर्पस तो है और वो उस पर काम करना चाहिए। तो मैंने कहा देखो पर्पस और शादी अलग अलग नहीं है, जिस दिन पर्पस समझ में आ गया उस दिन शादी समझ में आ जाएगी।
थोड़ा माइक पास में करिए, आप इधर आ जाओ। एक्चुअली सबको सूचना देनी है और कुछ लोग थोड़ा जाने की जल्दी में है, लेट हो गए हैं। ऐसा कर लेते हैं, इनको अनाउंसमेंट कर लेने दो, फिर अपन बात करते हैं। मैं तो यही हूँ, मैं जल्दी में नहीं। एक गाड़ी है EA 4448, जिसकी भी गाड़ी आप प्लीज अर्जेंटली जाके उसे निकाल लीजिए, क्योंकि बाकी गाड़ियों को निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। EA 4448 कुछ स्विफ्ट है शायद, वाइट कलर। हो गया, सुन लिया, किसकी गाड़ी है? नहीं, यहाँ कोई नहीं, आपकी है, निकाल लीजिए। हाँ जी, अब बोलिए, माइक नहीं चल रहा आपका, नहीं चल रहा माइक, माइक नहीं चल रहा। हाँ जी, मेरे को लगता है आप अनाउंसमेंट दे दो। हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ, बैलेंस चाहिए, बस 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 बस, बैलेंस बैलेंस, थैंक यू। हाँ जी, तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो आप 7 दिन के लिए भी आने की के बारे में सोचिए, क्योंकि 3 घंटे में इतना पूरा कंटेंट कवर करना ये भी एक बड़ी बात है, और सोम भैया ही है जो इतना अच्छे से इसे रख पाते हैं। तो अगर आप सुनना चाहते हैं, एक बार जोरदार तालियां सोम भैया के लिए, और पूरी बात सुनने के लिए, आपके हर प्रश्न का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो 7 दिन आइए, तो अच्छे से एक संवाद हमारे बीच होगा। तो उसके लिए और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आए, संभव हो तो मिनिमम हस्बैंड वाइफ, क्योंकि आपको पता है कि हस्बैंड वापस जाके पत्नी को समझा पाएगा, ये नहीं हो सकता, और पत्नी वापस जाके हस्बैंड को समझा पाएगी, वो तो पहले से समझा हुआ होता है। तो इसका मतलब है मिनिमम हस्बैंड वाइफ आएँ, और अपनी पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि पूरी फैमिली में एक हारमोनी, एक संवाद इस्टेब्लिश हो जाएगा। जी, और फाइनली जो नोट पैड्स हैं आपके, उसमें आप आपका प्लीज नाम, नंबर, ईमेल लिख दीजिए, और एक पेज फाड़ के बस बाहर बॉक्स में डाल दीजिए। पूरे नोट पैड को डालने की जरूरत नहीं है, वो आप लेके जा सकते हैं, एक पेज फाड़ के नाम नंबर लिख के वो डाल सकते हैं। और बाहर चाय समोसा है, प्लीज वो भी ले लीजिए, उसके बिना मत जाइए। और कुछ एक और सूचना है नागपुर सम्मेलन। हेलो हेलो, आई नागपुर में ये कार्यक्रम जो है 4 फरवरी को जो है भट्ट सभागृह में फिर एक आयोजन किया गया है, बट उसके पहले 7 दिन यहाँ पे इसी सभागृह में 7 दिन का रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी रखा हुआ है। उसके अलावा 5 फरवरी को शिक्षा पे आधारित कार्यक्रम जो है वो भट्ट सभागृह में रखा हुआ है। उसके अलावा हम लोग जो है साल में एक बार राष्ट्रीय जीवन विद्या वार्षिक सम्मेलन करते हैं, जो इस बार हेडगेवार सभागृह में 3, 4, 5 फरवरी को रखा हुआ है, जिसमें देश विदेश से तकरीबन 1200 लोग यहाँ पे आएंगे। तो उसका विमोचन जो है हम सोम भैया के हाथों करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि नागपुर टीम जो है वो मंच पे आए और कार्यक्रम पत्रिका का हम विमोचन सोम भैया के हाथों किया जाए। आशीष भैया मंच पे आइए प्लीज। एक और लगा तो ये बात थी कि ये जो विचार है, एक तो 7 दिन के कार्यक्रम के बारे में कुहू बेटा ने बोला ही है, तो वो 15 जनवरी से 21 जनवरी ये 7 दिन का शिविर होगा, है ना। उसके बाद पूरा एक वार्षिक सम्मेलन होता है इस थॉट पे आधारित, देश विदेश में लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, तो हमारे नागपुर के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि देश विदेश में इस विचार पे आधारित शिक्षा में क्या क्या प्रयोग चल रहे हैं। तो 3, 4 और 5 फरवरी है ना, स्मृति भवन जो है ऋषि बाग में, वहाँ ये सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें 2 कार्यक्रम हमारे लिए है खास, नागपुर के लोगों के लिए। एक कार्यक्रम 4 फरवरी को है, वो रात को है, मतलब खाना खा के आराम से 8 से 10 वो कार्यक्रम रहेगा। और दूसरा कार्यक्रम है 5 फरवरी को, जो शिक्षा पे काम करने वाले लोग हैं, खास तौर पे शिक्षाविद है, उनके साथ प्रेजेंटेशन रहेगी। वो करीबन
है ना, 3 घंटे का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और उसके बाद भोजन रहेगा 5 फरवरी को। तो सभी को नागपुर आयोजन टीम की तरफ से आमंत्रण है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।